हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्राची। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लव स्टोरी को आपके सामने पेश करने वाली हूं जिसकी कहानी 1987 की उस टाइमलाइन पे बेस्ड है जब कोरिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो अब इस तामझाम के बीच में हमारे हीरो हीरोइन की मुलाकात कैसे होती है, उनके बीच में प्यार कैसे पनपता है, ये सब कुछ देखना तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, सीरीज की स्टार्ट होती है 1987 के खूबसूरत स्प्रिंग सीजन से, यानी कि बसंत ऋतु से, जहां हाउस ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल को दिखाया जाता है। हमारी सीरीज की मेन कैरेक्टर योंगरू हॉस्टल के रूम नंबर 207 में अपने खूबसूरत तीन रूममेट्स के साथ में रहती है। योंगरू इज अ सेसी गर्ल, बोले तो वो थोड़ी सी शरारती और नटखट टाइप की लड़की है जो काफी चुलबुली है। योंगरू के रूममेट में पहली उसकी रूममेट है रोंग, जो कि एक ओपेरा सिंगर है, और उसके साथ ही वो यूनिवर्सिटी की ब्यूटी गर्ल है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द बॉयज हमेशा फिदा ही रहते हैं। हर सेकंड रूममेट इज मिन, जिसकी पर्सनालिटी उसके लुक से ही झलकती है, बोले तो काउबॉय। लास्ट एंड थर्ड रूममेट है सरी, जो कि छोटी छोटी बातों पे ही पैनिक हो जाती है और बिना सोचे समझे ही उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। जैसे कि हर हॉस्टल की एक एंट्री डेडलाइन होती है, वैसे ही इनके हॉस्टल की भी एंट्री डेडलाइन 9 बजे रात की थी, जिसके बाद एंट्री गेट क्लोज कर दिया जाता है। सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल उनके हॉस्टल का ये था कि अगर अटेंडेंस के टाइम पे एक भी रूममेट रूम से गायब हुई तो बाकी के तीनों रूममेट को भी हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। फिर एक दिन लाख कोशिश करने के बाद भी बेचारी योंगरू हॉस्टल टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम भी योंगरू का काफी देर से वेट कर रहे थे, लेकिन वार्डन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर के कारण 9 बजते ही उन्हें गेट बंद करना पड़ जाता है। फिर योंगरू अपना दिमाग लगाती है और पाइप से चढ़ते हुए विंडो से अपने रूम तक जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन तभी उसी टाइम पे उनकी खड़ूस वार्डन वहाँ पर अटेंडेंस लेने के लिए पहुँच जाती है। फिर जहाँ इस गर्मा गर्मी में योंगरू को बचाने के लिए हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट, जो कि योंगरू की काफी अच्छी दोस्त थी, वो ये रूमर फैला देती है कि उसने लॉबी में चूहा देखा है, जिससे कि सारी गर्ल्स यहाँ वहाँ भागने लग जाती हैं और भगदड़ मच जाती है। सिचुएशन का फायदा उठाकर योंगरू फटाफट से अपने रूम में भाग कर जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट्स उसे नाइट ड्रेस पहना देती हैं ताकि उनकी वार्डन को बिल्कुल भी शक ना हो। तो इस तरह से योंगरू इस बड़ी प्रॉब्लम से बच जाती है। फिर वही दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारे सीरीज के हीरो की, जिसका नाम सुहो है, जो एक जर्मन कोरियन सिटीजन है और जर्मनी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोरिया अपनी थीसिस करने के लिए आया है। सुहो अपनी ही एज के यंगस्टर के साथ में एक गेस्ट हाउस में रहता है, जहां बॉयज अपने पढ़ाई की बोझ से तंग आकर थोड़ी मस्ती करने के लिए सोचते हैं, और वो रूम नंबर 207 की सारी गर्ल्स को ब्लाइंड डेट के लिए इन्वाइट करते हैं। योंगरू कॉल पिकअप करती है और वो और उसकी रूममेट ब्लाइंड डेट के इस ऑफर को मान जाते हैं, लेकिन स्टिल उनकी एक रूममेट यानी कि मिन, वो तो डेटिंग एंड ऑल में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। फिर इसलिए उसकी जगह योंगरू की वो रिसेप्शनिस्ट फ्रेंड यानी कि बोजो, जिसने लास्ट नाइट योंगरू को वार्डन से बचाया था, वो उनके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। योंगरू की रूममेट्स को बोजो को ज्यादा खास पसंद नहीं थी, लेकिन स्टिल सिर्फ योंगरू के लिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज टीम में भी सिर्फ तीन ही बॉयज थे, यानी कि एक लड़के की कमी पड़ रही थी, तो इसलिए वो लोग सुहो को अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। जहाँ पहले तो सुहो साथ चलने के लिए नहीं मानता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो उनके साथ में जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे बॉयज लड़कियों का इंतजार कर रहे होते हैं बेसब्री से रेस्टोरेंट में बैठकर, लेकिन गर्ल्स तो अभी तक आ ही नहीं थी, और सुहो टाइम पास करने के लिए वहाँ पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए मैचस्टिक से बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी गर्ल्स की एंट्री होती है, लेकिन सुहो का बनाया हुआ बिल्डिंग बस गिरने ही वाला था, जहाँ पर योंगरू उसे बचाने की कोशिश करती है, और इस तरह से सुहो और योंगरू पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। योंगरू को सुहो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, बोले तो योंगरू को सुहो से पहली नजर का प्यार हो गया था। फिर उनका गेम स्टार्ट होता है और गर्ल्स आइस क्लोज करती हैं, बॉयज अपना कोई ना कोई सामान निकाल कर टेबल पर रखते हैं, फिर गर्ल्स आंखें खोलती हैं और वो रैंडमली ही जिस भी लड़के के सामान को टच करती हैं, वो लड़का उनका डेट बन जाता है। योंगरू सुहो को डेट बनाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बोजो बहुत ही चालाकी से सुहो को चूज कर लेती है, क्योंकि सुहो बहुत ज्यादा अमीर था और वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा भी था।
सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में युंगरुक को एक बुकशॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे वो हेडफोन लगाकर अपनी मस्ती में गाने गा रही थी और वो भी काफी जोर जोर से। वो इस बात से अनजान थी कि आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे हैं क्योंकि वो हरकतें ही कुछ ऐसी कर रही थी। फिर जब उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। सुहो भी वहीं पर था और उसकी इन क्यूट सी हरकतों पर वो भी काफी मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे वो भी युंगरुक को पसंद करने लग गया था, जिसका साफ मतलब ये है कि ये दोनों अपने पार्टनर के साथ में डेट पर गए ही नहीं थे बल्कि अपनी अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। युंगरुक और सुहो आपस में मिलते हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसके बाद युंगरुक एक म्यूजिक कैसेट लेने के लिए जाती है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए वो बिना कैसेट लिए ही वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन भाई अपने हीरो को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद ब खुद कैसेट खरीद कर जाकर युंगरुक को पकड़ा देता है। लेकिन हमारी हीरोइन में किसी से कम नहीं थी, वो किसी का उधार अपने ऊपर नहीं रखना चाहती थी और इसलिए वो सुहो को वो कैसेट लौटाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन वो देखती है कि सुहो तो कुछ पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहा था, जहां युंगरुक को लगता है कि शायद सुहो एक प्रोटेस्टर है और इसलिए वो पुलिस वालों से बचने में उसकी हेल्प करती है। फिर पुलिस के जाने के बाद सुहो युंगरुक को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन थैंक्स के बदले युंगरुक सुहो को नेक्स्ट डे कॉफी पे बुलाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब सुहो उससे मिलने के लिए आता ही नहीं है और वो बेचारी रेस्टोरेंट में वेट ही करती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया की पब्लिक वहां पर डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट में लगी हुई थी, जिस कारण से वहाँ की गवर्नमेंट फेयर इलेक्शन करवाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन मामला तो कुछ और था, क्योंकि इसके पीछे भी इनका एक अलग ही एजेंडा था, क्योंकि रूलिंग पार्टी नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में ये डील करती है कि वो अपोजिशन पार्टी के मेन मेंबर यानी कि प्रोफेसर हान को किडनैप करवा के उन्हें नॉर्थ कोरिया में भेज देंगे, जिससे फिर ये साबित हो जाएगा कि अपोजिशन पार्टी नॉर्थ कोरिया के साथ में मिली हुई है। फिर इस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा लगाकर फेयर इलेक्शन में भी उनकी पार्टी की ही जीत होगी, जहां फिर इसी प्लान को अंजाम देने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने कुछ जासूसों को साउथ कोरिया में भेज देता है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहां पर रह रहे होते हैं। जहां तभी स्पेशल ऑफिसर ली की एंट्री होती है, जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने स्पेशल मिशन के लिए बहुत सालों बाद जर्मनी से कोरिया लौटा है। ब्लैक टाइगर बहुत सालों से एक फेमस क्रिमिनल डोंग को ढूंढ रहा है। रिसेंटली ही उसे खबर मिली है कि डोंग जर्मनी से साउथ कोरिया में आकर रह रहा है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए है और वो किसी स्पेशल मिशन को अंजाम देने वाला है, जहां वो सबसे पहले ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करता है जो लोग रिसेंटली में जर्मनी से कोरिया में आए हुए हैं। वहीं उन सब में सीओ का भी नाम होता है। फिर वही ब्लैक टाइगर की टीममेट है ना, ये रिवील करती है कि उसने सुहो पे काफी रिसर्च की है और उसे पता चला है कि सुहो के जर्मन स्टूडेंट होने के सारे डॉक्यूमेंट नकली हैं, जिस कारण से ब्लैक टाइगर का सबसे पहला शक सुहो के ऊपर जाता है। फिर फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए ब्लैक टाइगर अपनी टीम के साथ में सुहो पर नजर रखने लग जाता है, जहां वो देखते हैं कि सुहो काफी टाइम से प्रोफेसर हान के आसपास ही रहता है, जहां दोस्तों ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि सुहो ही वो नॉर्थ कोरियन स्पाई है जो कि प्रोफेसर हान को किडनैप करने के लिए नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आया है और यहां पर अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। फिर जहां मौका पाते ही सुहो और उसके टीम मेंबर्स प्रोफेसर हान को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर और पुलिस की टीम उनके पीछे पड़ जाती है, जहां पुलिस की गाड़ी से सुहो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से सुहो और उसका एक दोस्त निकल के तो भाग जाते हैं लेकिन उनका एक मेंबर पकड़ा जाता है। सुहो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, ब्लैक टाइगर उसका पीछा करता है और वो उसे गन से शूट भी कर देता है। सुहो को अभी गोली भी लग गई थी और जिसमें उसका काफी ज्यादा खून भी बह गया था, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए सुहो भागता रहता है और फाइनली वो एक जगह पर पहुंच जाता है जो कि दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि युंगरुक का हॉस्टल ही था। बेचारा सुहो जैसे तैसे करके ऊपर पाइप से चढ़ते हुए रूम नंबर 207 में पहुंच जाता है, क्योंकि इस रूम की लाइट्स ऑफ थी और ये रूम किसी और का नहीं बल्कि युंगरुक का ही था, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं बाहर ब्लैक टाइगर भी सुहो के खून के निशान का पीछा करते हुए हॉस्टल के अंदर आ जाता है, जहां उसे देखकर सारी लड़कियां डरकर भागने लग जाती हैं, जहाँ वो सबको बताता है कि एक नॉर्थ कोरियन स्पाई यहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन हॉस्टल की वार्डन जो कि काफी ज्यादा खड़ूस थी, वो उनसे कहती है कि बिना वारंट के वो यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते हैं। फिर वो हैना को वारंट लेने के लिए भेज देता है और हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है।
वहीं जब यमरो रूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि कोई जख्मी खून की हालत में पड़ा हुआ है। पहले तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुहो ही है। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे एंड फिर वहाँ पर यमरो के साथ साथ उसकी रूममेट्स भी आ गई थी जिन्होंने सुहो को इस हालत में देख लिया था। बाकी सबको तो यही लग रहा था शायद सुहो कोई प्रोटेस्टर है और साउथ कोरियन पुलिस उसे नॉर्थ कोरिया स्पाई बनाकर उसे फंसाना चाहती है। सो इसलिए वो लोग उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही सुहो को होश आता है वो लोग उसे हॉस्टल के वॉशरूम में छुपा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैना वारंट लेकर आ जाती है तो ब्लैक टाइगर सारे हॉस्टल की तलाशी ले लेता है, लेकिन तब भी उन्हें सुहो वहाँ नहीं मिलता है क्योंकि गर्ल्स ने बहुत ही चालाकी के साथ सुहो को वॉशरूम में छुपा दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनके एक मेंबर को जो पकड़ा गया था उसे पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वो तो अपना मुंह ही नहीं खोलता और साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड कर लेता है। वहीं हॉस्टल में फिर यंगरो के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी सारी रूममेट सोहो के हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सब लोग मिलकर उसे फोर्थ फ्लोर वाले रूम पे छुपा देती है क्योंकि उस रूम में कोई नहीं जाता था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी पुरानी वार्डन ने उसी रूम में सुसाइड कर ली थी और आज भी उनकी आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है। और एक बार यमरो अपनी दोस्त के साथ में वहाँ चेक करने भी गई थी जहाँ पर उसने उनकी आत्मा को भी देखा था, लेकिन स्टिल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए उन्हें सुहो को वहाँ छुपाना पड़ जाता है। यमरो काफी आलसी लड़की थी जो कि सोकर दोपहर में उठा करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि सुहो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती थी, तो इसलिए वो सुबह सबसे पहले फटाक से उठकर रेडी होकर हॉस्टल के मेस में जाकर वहाँ से अपने रूममेट के साथ में खाना चुरा कर सुहो के लिए लेकर जाया करती थी ताकि वो भूखा ना रहे और वो जल्दी ठीक हो जाए। वो उसकी बहुत केयर कर रही थी, उसे बैंडेज लगा रही थी, उसका अच्छे से ध्यान भी रख रही थी। और ऐसे ही एक दिन वो सुहो के गले में एक पेंडेंट देख लेती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये पेंडेंट उसे एक लड़की ने दिया है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वह हमारी हीरोइन तो हीरो को पसंद करने लग गई थी और उससे प्यार भी करने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुहो अपनी डायरी में कुछ नोट डाउन कर रहा था जहाँ पर यमरो आती है उसे लंच बॉक्स देती है। सुहो उसे अंदर आने के लिए अपने साथ बैठने के लिए बोलता है, लेकिन यमरो उसे बहाना बनाकर असाइनमेंट का वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यमरो से मिलने के लिए उसका भाई आता है जो कि आर्मी में है, जिसे देखकर यमरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे बहुत सालों बाद मिलने के लिए आया था। ये सब कुछ सोहो भी अपने रूम की विंडो से देख रहा था। फिर रात के टाइम पे जब यमरो सोहो की बैंडेज करने के लिए आती है, जैसे ही उसे पता चलता है कि सोहो को वो लॉकेट उसकी बहन ने गिफ्ट किया था, तब जाके यमरो की जान में जान आती है और वो फिर से बहुत खुश हो जाती है। जहाँ उस टाइम गलती से उससे पट्टियों पर चाय गिर जाती है और सारी पट्टियाँ गंदी हो जाती हैं। जैसे ही वो उन्हें क्लीन करने के लिए पानी से धो रही होती है तो पानी वहाँ से रिस कर नीचे जाने लग जाता है क्योंकि फोर्थ फ्लोर के जस्ट नीचे ही लाइब्रेरी होती है जहाँ पर उनकी हेड स्टूडेंट गोंजा पढ़ाई कर रही थी। और वो देखती है कि पानी ऊपर से टपक रहा होता है, जहाँ वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि फोर्थ फ्लोर पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर वो फटाक से जाके वार्डन को बताती है और वार्डन वहाँ चेक करने के लिए जा रही होती हैं। बोसो भी उनकी बातें सुन रही थी छुपकर और फिर वहाँ से वो लोग फोर्थ फ्लोर पे जाने लग जाते हैं। वही रूम के अंदर यमरो सोहो को बाहर निकलने का यानी कि एंट्रेंस का रास्ता समझा रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। वार्डन के साथ में सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम भी थे जो कि जानते थे कि सोहो को यमरो और उसकी रूममेट्स ने ऊपर वाले रूम में छुपा रखा है क्योंकि उन्होंने भी उनकी हेल्प की थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो वार्डन को वहाँ जाने से आखिरकार कैसे रोके। जहाँ पर उन्हें वार्न करने के लिए अंकल किम जोर जोर से खांसने लग जाते हैं और सुहो और यमरो को भी पता चल गया था कि बाहर उन्हें कोई देखने के लिए आ रहा है। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर जैसे ही अंकल किम और वार्डन डोर ओपन करते हैं उन्हें सामने कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वार्डन पूरे रूम को अच्छे से चेक करती है, स्टिल उसे वहाँ पर यमरो और सुहो नहीं मिलते क्योंकि दोस्तों वो दोनों तो विंडो के नीचे एक बनी छोटी सी जगह पर छुप कर खड़े होते हैं ताकि उन्हें वो लोग ना देख पाए। तो अब इतनी खतरनाक सिचुएशन में कोई गड़बड़ ना हो ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। डर के मारे यमरो का पैर स्लिप हो जाता है। वहीं ऊपर वार्डन भी खड़ी होकर जस्ट देख ही रही होती है कि नीचे तो कोई नहीं छुपा हुआ है और तभी वो बस गिरने ही वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो यानी कि सुहो हमारी हीरोइन को बचा लेता है। सब कुछ चेक करने के बाद भी खड़ूस वार्डन को रूम में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल उसे कुछ न कुछ डाउट रह गया था और इसलिए वो बाहर से रूम को लॉक कर देती है। फिर विंडो से रूम के अंदर आने के बाद यमरो सुहो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था।
लेकिन तभी वो देखती है कि सुहु के जख्म में से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो फटाफट से उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है। ये सब कुछ देखकर तो सुहु के दिल में लड्डू ही फूट रहे थे। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि वो उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रही है। बहुत लेट हो गया था और इसलिए युंगरो सुहु को बाय बोलकर वहां से जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वार्डन ने बाहर से गेट को लॉक कर दिया है। तो अब हमारे हीरो हीरोइन रूम के अंदर ही फंस गए थे, जहाँ पर युंगरो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। वो बहुत डर रही थी कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सुहु उसे अच्छे से संभाल लेता है। वो उसे समझाता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। युंगरो भी समझ जाती है और शांत हो जाती है। वो लोग साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वही फिर दूसरी तरफ जब युंगरो की रूममेट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि युंगरो रूम में ही नहीं है और वो समझ जाती है कि वो जरूर सुहु के पास में ही होगी। वो चेक करने के लिए वहाँ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे अंकल किम दिखाई पड़ते हैं, जो भी ऊपर स्टेयर से जा रहे होते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि वार्डन ने सुहु और युंगरो को रूम में ही लॉक कर दिया था। सो इसलिए वो चाबी लेकर आए हैं ताकि वो उन दोनों को खोल सके और उन्हें बाहर निकाल सके। फिर वो फटाक से रूम का गेट ओपन कर देते हैं, यानी कि लॉक को खोल देते हैं। फिर जहाँ डोर ओपन होते ही फाइनली युंगरो की जान में जान आती है। सुहु भी अंकल किंग से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन अंकल किम का दिल तो बहुत ही अच्छा था। वो उसे कहते हैं कि बेटा इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये चाबी बस आज ही उनके पास है क्योंकि कल वार्डन उनसे ये चाबी ले लेगी। तो इसलिए सुहु को आज ही यहाँ से निकलना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें इस रूम को लॉक भी करना है। तो अब सुहु मेन गेट से तो जा नहीं सकता था, तो इसलिए अंकल किम उसे बताते हैं कि यहाँ बेसमेंट में एक डोर है जो कि इन फ्यूचर किसी प्रॉब्लम में होने पर इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, लेकिन इस डोर के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता है। सुहु वहाँ से आराम से निकल सकता है। फिर वो सब बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी लॉबी में वो देखते हैं कि स्टूडेंट हेड नींद में जल रही है। वहाँ से छुपते छुपाते हुए वो लोग नीचे बेसमेंट में पहुँच ही जाते हैं। युंगरो काफी सैड थी क्योंकि सुहु अब यहाँ से जा रहा था और उसे उसकी शायद बात में याद भी आएगी। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट ओपन करने जा रहे होते हैं तो बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो होल से देखता है तो वहाँ पर ब्लैक टाइगर के आदमी पहरा दे रहे थे। सुहु को यहाँ से बाहर निकालने के लिए युंगरो के पास सिर्फ अब एक ही रास्ता था और वो था यूनिवर्सिटी में होने वाली ओपन हाउस पार्टी। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट फेस्ट होता है, वैसे ही युंगरो की यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट फेस्ट था ओपन हाउस पार्टी। और इस पार्टी का रोल था कि इसमें सारी गर्ल्स को अपने मेल पार्टनर के साथ में आना होता है, यानी इसमें बॉयज भी अलाउड थे। फिर युंगरो सुहु को उसी इवेंट के दौरान में हॉस्टल से बाहर निकालने की प्लानिंग में जुट जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर हान को नॉर्थ कोरिया में पहुंचाने वाले पार्टी के लीडर्स में फाइट हो जाती है क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था, जिसमें चांगसू और बेल नाम के दो लीडर्स आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। जहां अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर चांगसू पुलिस चीफ को ये ऑर्डर देते हैं कि वो ब्लैक टाइगर को सुहो और मिस्टर हान के केस को बंद करने का ऑर्डर दे दें। और पुलिस चीफ ऐसा ही करते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर जो कि एक सच्चा देशभक्त था वो अपने मिशन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था और वो अपने हेड की बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर ब्लैक टाइगर अपनी टीम के साथ में उसी गेस्ट हाउस में पहुंचता है जहां सुहो रह रहा था और वो वहां की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है। जहां पर उसी बीच सुहो का दोस्त ग्वांगते पहुंच जाता है। फिर क्या होना था, ब्लैक टाइगर उसे धर लेता है। साथ ही वो कहता है कि सुहो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। ब्लैक टाइगर ग्वांगते को एक ही शर्त पे छोड़ता है कि अगर सुहो उसे कहीं भी मिलता है तो वो फटाफट से ब्लैक टाइगर को इन्फॉर्म करेगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में ओपन पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी, जहां पे गर्ल्स पार्टी में होने वाले सारे इवेंट्स को अच्छे से प्लान कर रही थी। जहां ये सारा प्लान युंगरो सुहु को आके समझा देती है, लेकिन सुहु को यहां पे युंगरो के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि एक तो ये उसका पहला इवेंट है और उसमें वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही है और उसके साथ में यहां फंसी हुई है। लेकिन युंगरो सुहु से कहती है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है उसमें वो बहुत खुश है, उसकी हेल्प करके उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन अब युंगरो के साथ में एक और दिक्कत हो गई थी कि पार्टी में आने वाले सारे बॉयज फॉर्मल्स भी आने वाले थे, लेकिन सुहु के पास तो फॉर्मल वाले कपड़े ही नहीं थे। फिर युंगरो अपना दिमाग लगाती है और एक लेडी को कॉल करती है, जहाँ वो अपने ब्रदर की फॉर्मल सूट के बारे में उनसे बात करती है और वो कहती है कि ये सूट घर में ही रखा है, तुम चाहो तो आकर ले जा सकती हो।
फिर जैसे ही यंग रोज घर में एंट्री करती है तो गाइस हमें पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि लीडर चेंगसू का है। यंग रो उनकी बेटी है लेकिन अब वो उनसे बात नहीं करती है क्योंकि उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था और अब वो हॉस्टल में गरीबों की तरह अपनी जिंदगी बिता रही है। फिर यंगरो छुपते छुपाते हुए अपने भाई का सूट लेकर वहाँ से निकल रही थी लेकिन उसकी मुलाकात उसके स्टेप मॉम से हो जाती है जिसको अवॉइड करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन सब में उस बेचारी लड़की का तो मूड ही खराब हो गया था। यंगरो फिर सुहो को वो सूट पकड़ा देती है। सुहो उसे पहन कर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो सूट उसके पूरा फिट आ गया था। यंगरो भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे वार्डन उन्हें देख लेती है लेकिन उसका शक उन पे नहीं जाता है क्योंकि वो सोचती है कि शायद सुहो यंगरू का पार्टनर है। फिर वहीं दूसरी तरफ यंगरू की रूममेट यानी कि सरी के पार्टनर की तबीयत खराब हो जाती है और वो पार्टी में नहीं आ पाता है। फिर उसे सामने से गांग तो आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसके पार्टनर का फ्रेंड था और इसलिए वो उसे अपना पार्टनर बनाकर अंदर ले जाती है। गांग तो यहाँ रॉन्ग के चक्कर में आया था क्योंकि दोस्तों आपको याद ही होगा कि फर्स्ट एपिसोड में जब यंगरो और उसकी सारी रूममेट्स ब्लाइंड डेट पर गए थे तो वहाँ ग्वांग ते भी था और उसका मैच रॉन्ग के साथ में हो गया था और तब से ये उसके चक्कर में ही पड़ा हुआ है। सो इसलिए वो रॉन्ग से मिलने के लिए ही यहाँ पर आया है। लेकिन जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं तो सुहो और यंगरो इन दोनों को देख लेते हैं और वो पूरी पार्टी में ग्वांग तो से छुपते हुए फिर रहे थे। छुपते छुपाते हुए वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ शूटिंग का गेम चल रहा था और ना जाते हुए भी सुहो को ये गेम खेलना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो शूट स्टार्ट करता है वो शूट कर ही रहा होता है उसके सारे निशाने एकदम पॉइंट पे लगते हैं। ये सब कुछ देख कर तो सारी गर्ल्स उसकी फैन बन जाती हैं, उस पे फिदा ही हो जाती हैं। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल के बाहर जा रहे होते हैं तो बुजु उन दोनों को देख लेती है जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि यंगरो उसे चीट कर रही है क्योंकि उस ब्लाइंड डेट वाले सीन में सुहो बुजु का ही डेट बना हुआ था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी लव ट्रायंगल चालू था लेकिन हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन यानी यंगरो को ही पसंद करता था। फिर फटाफट से यंगरो सुहो को हॉस्टल से बाहर निकालती है और उसे जाने के लिए कहती है। यहाँ पर एक प्यारा सा मोमेंट चल ही रहा होता है कि जिसे ग्वांग ते देख लेता है क्योंकि वो पास की कॉफी शॉप में बैठा हुआ था और वो फटाफट से ब्लैक टाइगर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सुहो यंगरो को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके बाद उसे कुछ एहसास होता है और वो वापस से यंगरो से मिलने के लिए आता है जहाँ पे उसे वो अपनी बहन का दिया हुआ लॉकेट वो यंगरो को पहना देता है और वो उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी उसके लिए किया वो उसका बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। यहाँ पर दोस्तों यंगरो के साथ साथ हम ऑडियंस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुहो के दिल में क्या सच में यंगरो के लिए प्यार है या फिर वो सिर्फ यंगरो के अच्छे दिल और उसके काइंड नेचर की वजह से उससे इतने प्यार से पेश आता है। वेल तो इतने में ही यंगरो की रूममेट यानी कि सरी को भी पता चल जाता है कि ग्वांगटन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। साथ ही उसने ब्लैक टाइगर की एजेंट्स को सुहो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो उनके हॉस्टल में ही है। फिर सरी फटाफट से भाग कर जाती है और सुहो और यंगरो के बीच में चल रहे प्यारे से मोमेंट को उसे इंटरप्ट करना पड़ जाता है जहाँ वो सुहो को फटाफट से वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि एजेंट्स बस आने ही वाले थे और सुहो वहाँ से फाइनली उन लोगों को गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर जैसे ही एजेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुहो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है और इसलिए वो लोग ग्वांगटे को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ग्वांगटे ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है और फिर वो उससे इंटरोगेशन करने लग जाते हैं। लेकिन ग्वांगटे खुद की जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोल देता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी। लेकिन स्टिल ब्लैक टाइगर को उस पर शक होता है और वो उसे अपने पास में ही रखता है और उसे टॉर्चर करता रहता है जब तक कि वो सच ना बोल दे। लेकिन ग्वांगटे तो भाई अपना मुंह खोलने वाला ही नहीं था, वो यही बोलता रहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है कि उसने सुहो को देखा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में सारी लड़कियां यंगरो को टीज कर रही थी, वो उसे सुहो का नाम ले लेकर छेड़ रही थी और ये भी कह रही थी कि उसका पार्टनर सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव और सबसे ज्यादा हैंडसम था पूरी पार्टी में। जहाँ पर बुजु भी आ जाती है और वो यंगरो से सुहो के साथ में रिलेशनशिप में होने पे क्वेश्चन करने लग जाती है। बुजु कहती है कि सुहो मेरे साथ में डेट पर गया था और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती हूँ, ये बात तुम जानती थी और उसके बाद भी तुमने उसे पार्टी में बुलाया और तुम लोगों का चक्कर चल रहा है, ये बात भी तुमने मुझसे छुपा कर रखी थी। बुजु का बिहेवियर एकदम ही चेंज हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी यंगरो के ऊपर क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल रही थी उससे।
लेकिन फिर यंग रो उसे बताती है कि डेट पे जाने के बाद जोहो उसे एक बुक शॉप पर मिला था और उसके बाद वहाँ पर उनकी काफी अच्छे से बात हुई थी और इसलिए ही उसने उसे ओपन पार्टी में बुलाया था। लेकिन वही पोजो तो बहुत ही ज्यादा जेलसी वाली फीलिंग में आ गई थी और इसलिए वो फटाक से वहाँ से जाती है और जाकर रजिस्टर चेक करती है, जहाँ वो रूम नंबर 7 की सारी गर्ल्स के साथ में उनके पार्टनर की एंट्री को चेक करती है, लेकिन सुहो की तो वहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं थी। फिर पोजो बहुत दिमाग लगाती है और फ्लैशबैक में जाकर सारी चीजों को सोचती है, जहाँ पे उसे समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कि सुहो वही स्पाई है जिसे ब्लैक टाइगर के एजेंट होने के लिए आए हुए थे। फिर वही दूसरी तरफ अटेंडेंस लेने के लिए जब वार्डन सबके रूम में जाती है तो जैसे ही वो रूम नंबर 7 में एंटर करती है तो वो सारी गर्ल्स को देखती है, जहाँ यंगरो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वार्डन को उस पर थोड़ा सा शक भी हो जाता है। लेकिन वार्डन के जाने के बाद ही सुहो के कपड़े वाले बैग को यंगरो सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम के रूम में छुपा देती है, जिससे कि अगर चेकिंग हो तो वो लोग पकड़े ना जाए। लेकिन बोजो ये सब कुछ यंगरो का पीछा करते हुए देख लेती है और उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। तो अब ऐसा साफ सीधी सी बात है, वो तो शांत तो बैठने वाली नहीं थी, सो इसलिए वो एजेंट को कॉल करके उन्हें सब बताने ही वाली थी, क्योंकि उसी नाम का लालच था। लेकिन तभी वार्डन आ जाती है और वो कॉल को कट कर देती है। फिर वो सारा सच दिखाने के लिए वार्डन को लेकर जाती है और उन्हें अंकल किंग के रूम से सुहो का बैग मिल जाता है। सच जाने के बाद फिर वार्डन सिक्योरिटी गार्ड अंकल किंग को उनकी नौकरी से निकाल देती है और वो रूम नंबर 207 की सारी गर्ल्स को अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पर यंगरो अपने रूममेट्स को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है, जहाँ पर लास्ट वार्निंग देकर वार्डन उसके सारे रूममेट्स को तो छोड़ देती है, लेकिन वो यंगरो को हॉस्टल से निकाल देती है। फिर यंगरो अपने रूममेट्स के साथ में बैठकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है, उसकी रूममेट उसके साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सैड थे। जहाँ उसे पूछते हैं कि अब यंगरो कहाँ जाकर रहेगी, तो यंगरो कहती है कि वो अपनी नानी को परेशान नहीं करेगी और वो अपने फादर के घर जाकर रहेगी। साथ ही वो अपने रूममेट्स को बता देती है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे उसके स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसलिए उसने उनका घर छोड़ दिया था। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसे अपने फादर के घर जाकर ही रहना होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी यंगरो अपनी रूममेट से ये बात छुपा रही थी कि वो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन यानी कि चैंगसो की बेटी है। यंगरो बहुत ज्यादा दुखी थी, वो एक चर्च में जाती है और गॉड से प्रे करती है कि हॉस्टल छोड़ने से पहले वो चाहती है कि एक बार सुहो उसे कॉल करे और उससे बात कर ले, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि हमारी हीरोइन को तो भाई हमारे हीरो से प्यार हो गया था और इसलिए वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिकर भी कर रही थी। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहो हॉस्टल से सही सलामत बाहर आ गया है और वो अपने अड्डे पे पहुंच चुका है, जो कि उसने सीक्रेट रखा हुआ था। और फिर उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया में कॉल करता है, जहां पर उसका फोन नॉर्थ कोरिया के सेक्रेटरी उठाते हैं, जो कि प्रोफेसर हान को किडनैप करने वाली पूरी स्ट्रेटजी का मास्टरमाइंड था। सुहो उन्हें बताता है कि वो एकदम सही सलामत है, उसे बस एक गोली लगी थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। एंड गाइस यहां पर ये रिवील होता है कि सुहो कोई और नहीं बल्कि इनका बेटा ही है, यानी कि नॉर्थ कोरियन सेक्रेटरी सुहो के फादर हैं। फिर वो सुहो से प्रोफेसर हान वाले मिशन की किडनैपिंग को पूरा करने के लिए कहते हैं, ताकि वो सौदा करने के बाद नॉर्थ कोरिया में वो पोजीशन हासिल कर सके जिसका वो परसों से सपना देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर हान एक चर्च में बैठे हुए हैं, जहां वो फादर के पास अपना कन्फेशन करने के लिए उनके रूम में जा रहे थे। लेकिन भाई वहां पर तो फादर की जगह हमारा हीरो यानी कि सुहो भेस बदल कर बैठा हुआ था, जहाँ सुहो प्रोफेसर हान को ये बताता है कि उनका इकलौता बेटा जो कि यूएस में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था वो अभी नॉर्थ कोरिया में है। लेकिन अगर ये बात यहाँ यानी कि साउथ कोरिया में लीक हो जाती है तो इससे प्रोफेसर हान की बहुत बदनामी होगी, जिससे कि रूलिंग पार्टी सीधा उनकी पार्टी को अपने निशाने पर लगा लेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया का सबसे बुरा खेल पॉलिटिक्स है, जिसमें खून के रिश्तों की बलियां भी चढ़ जाती हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। सुहो ने प्रोफेसर हान को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया था कि अगर वो उसके साथ में नॉर्थ कोरिया जाएंगे, फिर उसके बाद काम पूरा होने के बाद वो सेफली उन्हें और उसके बेटे को खुद यहाँ पर छोड़ने के लिए आएगा। सो प्रोफेसर हान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और इसलिए वो चर्च से निकलकर सीधा जाकर सुहो की भेजी गई गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ऑफिसर हैना मौजूद थी, जो कि प्रोफेसर हान की गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। वो उन्हें पकड़ने ही वाली थी लेकिन तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सुहो ने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग जो की थी। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर हान को अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ पे उन्होंने उसे किडनैप करके रखा हुआ था।
नेक्स्ट डे ये लोग प्रोफेसर हान के साथ में साउथ कोरिया से फरार होकर उन्हें नॉर्थ कोरिया लेकर जाने वाले थे। वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और वो एक बोट का इंतजाम भी करते हैं, लेकिन फिर सोहो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो प्रोफेसर हान को बोट पर लेकर जाएंगे और वो खुद यहाँ पर रुककर डील के बदले मिल रहे पैसे और वेपन्स को लेने के लिए माउंट ओंगवन चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि ये लोकेशन बिल्कुल योंगरू के हॉस्टल के पास में ही है। वहीं दूसरी तरफ योंगरू हॉस्टल में अपना सामान पैक करके अपनी रूममेट्स के साथ में बाय बोल ही रही होती है, लेकिन उसका सारा ध्यान तो फोन कॉल पर ही था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सोहो उसे फोन कर ही लेगा। फिर जैसे ही उसके नाम की अनाउंसमेंट होती है कि उसके लिए कॉल आया है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए जाती है, लेकिन कॉल पर तो सोहो की जगह उसकी स्टेप मॉम होती है। वो उसे हॉस्टल से बाहर निकालने के लिए बहुत डांट रही होती है और साथ साथ ही वो कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई कब सुधरोगे। वो कहती है कि अपने ड्राइवर को वो भेज रही है और इसलिए वो रेडी रहे और उसके साथ सीधा चुपचाप घर वापस आ जाए, जहाँ हमारी बेचारी हीरोइन का तो दिल ही टूट जाता है और वो दुखी होकर वापस अपने रूम में आ जाती है। फिर वो सोहो के नाम का एक प्यारा सा लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उससे मिलना चाहती है आखिरी बार, क्योंकि उसे हॉस्टल से निकाला जा रहा है, और वो उसका प्लेन बनाकर फिर उसे उड़ा देती है जो कि बाय चांस जाकर उसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पे सोहो होता है। और सोहो डिसाइडेड जगह से अपने पैसे और वेपन्स लेने के बाद जैसे ही वहां से निकलता है तो उसे योंगरू का वो लेटर मिल जाता है जिसे वो पढ़ लेता है। सच ही कहा गया है कि अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब सच्चे प्यार के बीच में मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ब्लैक टाइगर के एजेंट वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनसे बचते बचाते हुए सोहो एक हट में जाकर छुप जाता है, और ये रास्ता हॉस्टल के बेसमेंट का होता है जहाँ से एंटर करते हुए वो हॉस्टल की लॉबी में पहुँच जाता है। योंगरू वहाँ से निकल रही होती है और उसका सामना सोहो से हो जाता है। सोहो को इस गेटअप में देखकर योंगरू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उससे बात करती है, उससे कुछ पूछती है। उससे पहले ही ब्लैक टाइगर और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाते हैं और वो सोहो पे गन पॉइंट कर लेते हैं। फिर जहां खुद की जान को बचाने के लिए सोहो योंगरू को गन पॉइंट पे ले लेता है, वो उसे हॉस्टेज बना लेता है। ब्लैक टाइगर और उसकी टीम से उनके हथियार फेंकने के लिए कहता है। वहाँ ये गर्मा गर्मी का माहौल चल ही रहा था कि तभी सोहो के बाकी टीममेट्स पहुँच जाते हैं जो कि ऑफिसर हैनप को शूट कर देते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर बीच में आके ऑफिसर हैनप की जान बचा लेता है जिससे कि उसे गोली लग जाती है। देखते ही देखते खूबसूरत सा दिखने वाला वुमेन हॉस्टल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। हर तरफ शूट आउट चल रहा था। फीलिंग तो ऐसे ही आ रही थी कि जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वॉर इसी हॉस्टल में ही स्टार्ट हो गया है। ये सब कुछ देखकर सोहो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर योंगरू को साथ में लेकर बाहर आता है, और फिर वो ब्लैक टाइगर को धमकी देता है कि अगर वो लोग यहाँ से बाहर नहीं गए तो वो खुद के साथ साथ पूरे हॉस्टल को उड़ा देगा, जिसमें सारी लड़कियों की जान भी चली जाएगी और सब मारे जाएंगे। ब्लैक टाइगर अपनी टीम और सारे पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि सोहो ने गर्ल्स हॉस्टल की सारी गर्ल्स के साथ साथ ब्लैक टाइगर को भी हॉस्टेज बना लिया था। फिर ये खबर प्रोफेसर हैना अपने चीफ पुलिस को देती है, साथ ही वो उनसे बैकअप की भी मांग करती है, जहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि चैंगसू की बेटी यानी कि योंगरू भी हॉस्टल में हॉस्टेज बनी हुई है। फिर वही दूसरी तरफ चैंगसू को खबर मिल जाती है नॉर्थ सेक्रेटरी से कि प्रोफेसर हान को नॉर्थ के एजेंट अपने डील के मुताबिक उन्हें बोट पर ले गए हैं और वहां से बस वो कुछ ही टाइम बाद नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाएंगे। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि तभी चीफ पुलिस वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो कि उन्हें हॉस्टल में हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन बिल को तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब सिक्योरिटी हेड यानी चांसू को पता चलता है कि उनकी बेटी यानी कि योंगरू भी उसी हॉस्टल में हॉस्टेज बनी हुई है, तो वो नॉर्थ कोरियन स्पाई के साथ में कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्थ कोरिया के साथ में प्रोफेसर हान वाली उस डील को भी पूरी तरह से सक्सेसफुल करना था, क्योंकि चैंगसू को ये रिपोर्ट मिली थी कि सोहो वही एजेंट है जो कि दोनों देशों के बीच में हुई डील को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। साथ ही वो नॉर्थ कोरियन सेक्रेटरी से बात करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि अगर उनके एजेंट का कुछ भी हुआ या फिर कोई भी गड़बड़ होती है तो नॉर्थ और साउथ के बीच की होने वाली इस डील को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी पहुंचकर नॉर्थ कोरियन एजेंट के साथ में डील करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंगसू अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर वो सोहो से कांटेक्ट करते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो उनके मिशन के बारे में सब कुछ जानते हैं और साथ ही उनका मकसद भी उन तीनों एजेंट को सुरक्षित उनके देश में भेजना है और यही उनकी डील है। लेकिन स्टिल सोहो और उसकी टीम को साउथ कोरिया के लोगों पर भरोसा नहीं था।
फिर भी वो उनकी बात मान के उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं और वो तीनों रात के टाइम पे सारी गर्ल्स को हॉस्टल की लॉबी में ही सोता हुआ छोड़कर वहाँ से बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर पुलिस का पहरा पहले से ही था, लेकिन फिर चैंगसू के ऑर्डर पर सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ से बैक स्टेप लेने लग जाते हैं। सुहो गेट खोलकर बाहर आता जाता है अपने टीममेट के साथ में, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो अपने टीममेट्स को रुकने के लिए कहता है। वो नीचेस वापस जाने के लिए बोल ही रहा होता है कि तभी उन पर अटैक हो जाता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि अभी आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब नेशनल सिक्योरिटी हेड यानी कि चैंगसू ने जब सुहो के साथ में डील की थी कि वो उन्हें सेफली नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं, तो उन्होंने उन पर अटैक क्यों किया। दरअसल हुआ ये था, जब सुहो के एजेंट प्रोफेसर हान को उस बोट से लेकर जा रहे थे और वो लोग सुहो और उसकी टीम का वेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे साउथ कोरिया की आर्मी की बोट वहां पर आ गई थी, लेकिन वो उसे अपनी ही बोट समझकर बस वहां से जा ही रहे थे। बट उसी टाइम पे प्रोफेसर हान बाहर आकर उनसे मदद की गुहार करने लग जाते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि वो उन्हें बचा लें, लेकिन तभी सुहो का एक एजेंट उन्हें गोली मार देता है, जिससे कि वहां पर भी शूटआउट शुरू हो जाता है। दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से वॉर शुरू हो गया था, जिसमें सुहो के एजेंट के साथ में साउथ कोरिया की आर्मी के कुछ लोग भी मारे जाते हैं। फिर जब बॉर्डर पे हुए इस हादसे की खबर चैंगसू और बेल को हुई थी, तो उस टाइम पे वो लोग समझ गए थे कि नॉर्थ कोरिया के साथ में की गई उनकी वो इलेक्शन वाली डील अब फेल हो चुकी है। फिर जहां बेल बिना चांसेस से कंसल्ट किए ही पुलिस को उन तीनों एजेंट यानी कि सुहो और उसके एजेंट को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, जहां पुलिस ने उन्हें शूट भी कर दिया था। और इसमें सुहो के एक साथी को गोली लग जाती है, वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो तीनों बचकर वापस से अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वह सारी गर्ल्स को लेकर वहां से फरार होने की सोच रहा था, लेकिन तभी सुहो का टीममेट जॉन वहां पर अंदर आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही सारे हॉस्टल्स को शूट करने लग जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया ने उन्हें धोखे से बाहर बुला के उन्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर ब्लैक टाइगर उसे पकड़ लेता है और उसके गन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब चैंगसू को ये पता चलता है कि बेल ने स्पेशल फोर्स को उन तीनों एजेंट्स को मारने के लिए हॉस्टल में जाने के लिए कहा है, तो वो उन्हें वहीं पर रोककर बेल के इस प्लान को ड्रॉप करने के लिए कहता है और उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने स्पाई पर हमला किया तो वो लोग हॉस्टलर्स को मार देंगे। वहीं हॉस्टल के अंदर इतनी ज्यादा अफरा तफरी में योंगरू के हाथ में भी चोट लग गई थी, जहां पर तभी सुहो पहुंच जाता है और वो अपने साथी यानी जॉन को रोकता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था और वो ब्लैक टाइगर को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। फिर वो ब्लैक टाइगर को एक अलग रूम में बंद करके सारी गर्ल्स को वापस से कैफेटेरिया में जाने के लिए बोलते हैं, जहां सुहो योंगरू के हाथ में लगी उस चोट को देख लेता है। और उसके बाद जब सारी गर्ल्स जाकर कैफेटेरिया में बैठी हुई होती हैं और सुहो भी उनके साथ में होता है, तो जॉन आकर उससे कहता है कि उनके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके पैर में गोली लगी थी, तो इसलिए उसे फर्स्ट एड की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर सुहो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर योंगरू को अपने साथ में लेकर जाता है और अपनी टीममेट की मरहम पट्टी करता है। फिर जैसे ही योंगरू जा रही होती है, वो उसे रुकने के लिए कहता है और वो उसके हाथ में भी मरहम पट्टी करने लग जाता है। साथ ही वो उससे कहता है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि योंगरू ने भी उसकी जान बचाई थी, तो वो बस अपना कर्ज उतार रहा है। ये बात सुनकर तो भाई हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंगसू कोऑपरेट करने के लिए सुहो को कॉल करता है और अपने सोल्जर्स द्वारा हुए गई उस अटैक की सफाई देते हुए वो उसे बॉर्डर पे हुए उस हमले के बारे में भी बता देता है, जिसमें प्रोफेसर हान मारे गए हैं, जहां वो अपने उन सोल्जर्स के हमले के लिए अपोलोजाइज भी कर रहा था। फिर चैंगसू सुहो से एक और चांस मांगता है और वो उसे कहता है कि वो उन्हें बाहर निकालने का कोई नया प्लान बनाएंगे, लेकिन सुहो को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसे धोखा जो दिया था, और इसलिए वो उसे कहता है कि ये उनकी लास्ट वार्निंग होगी और अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो अपने साथ साथ पूरे हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिसमें कि सारे हॉस्टलर्स मारे जाएंगे। फिर जैसे ही ये बात सुहो के साथी यानी जॉन को पता चलती है, तो वो सुहो से यही कहता है कि हमें बॉम्ब लगाकर पूरे हॉस्टल को अपने साथ में ही उड़ा लेना चाहिए, लेकिन सुहो इस चीज के लिए रेडी नहीं होता है। वो कहता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन जॉन मान ही नहीं रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो सुहो को भी काफी ऊटपटांग बोलने लग जाता है, वो उससे लड़ाई करने लग जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर सुहो उसे आखिरकार समझा देता है कि सुहो उसका लीडर है, जॉन नहीं। लेकिन इसी बीच में उनका तीसरा साथी बेहोश हो जाता है, जिसको गोली लगी थी।
फिर सुहो कॉल करके चांगसू से डॉक्टर अरेंज करने के लिए बोलता है और उसे 20 मिनट का टाइम भी देता है, जिसके बदले में चांगसू उसे कुछ हॉस्टलर्स को भी रिलीज करने की रिक्वेस्ट करता है। सुहो भी उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन इतने कम टाइम में डॉक्टर अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसलिए चांगसू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर बेल अपना दिमाग लगाता है और वो डॉक्टर कैंग को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है। डॉक्टर कैंग वही है जिसके साथ में बेल का अफेयर चल रहा है। फिर वो उन्हें अपना प्लान समझाता है और कहता है कि ऑपरेशन के दौरान में वो दो स्पाई को जहर देकर मार दे, लेकिन डॉक्टर कैंग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना होता है, उन्हें मारना नहीं होता है। सो इसलिए वो उन्हें जहर का इंजेक्शन देने की बजाय उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देगी, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाएंगे और फिर उनके तीसरे स्पाई को तो सोल्जर संभाल ही लेंगे। डॉक्टर कैंग के साथ में वो लोग एजेंट हैना को भी भेजते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि डॉक्टर के बदले में रिलीज करने वाले हॉस्टलर्स में चांगसू की बेटी यानी कि योंगरू भी शामिल हो, क्योंकि अगर स्पाई को ये पता चल गया कि चांगसू की बेटी यानी कि योंगरू भी उनके पास में ही है तो फिर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं फिर दूसरी तरफ पुलिस टीम हॉस्टल को पूरी तरह से वायर टैप कर देती है, जिससे कि अंदर होने वाली सारी हलचल को ये लोग बाहर से सुन पा रहे थे। डॉक्टर कैंग के अंदर जाने से पहले एक बार फिर से चांगसू सुहो से बात करते हैं, जहां वो उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि ब्लैक टाइगर की हालत भी बहुत खराब है और इसलिए उनकी एजेंट को ठीक करने के बाद डॉक्टर कैंग ब्लैक टाइगर का भी इलाज करेगी, जहां सुहो भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लेता है। फिर ऑफिसर है ना डॉक्टर कैंग के साथ में मिलकर प्लान बनाती है। वो उन्हें एक गन देकर कहती है कि जब वो ब्लैक टाइगर का इलाज करने के लिए जाएंगे तो वो ये गन ब्लैक टाइगर को सौंप दें। फिर जैसे ही वो लोग हॉस्टल में एंटर करते हैं तो डॉक्टर कैंग पेशेंट का इलाज करने के लिए पहुंच जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ हैना लॉबी में जाकर उन सारे हॉस्टलर्स को देखती है, जहां वो सुहो से कहती है कि इस शर्त के अकॉर्डिंग उसे 10 लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा। जिन हॉस्टलर्स को सुहो छोड़ रहा था उसमें योंगरू का नाम भी शामिल था, लेकिन वो सुबह की गर्ल्स को भड़का देती है कि ये सब कुछ योंगरू की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर उसने सुहो को यहाँ पर छुपा कर नहीं रखा होता तो वो सब लोग आज इस प्रॉब्लम में नहीं होते, क्योंकि सुहो एक स्पाई है। सारी गर्ल्स खुद को रिलीज करने के लिए सुहो से रिक्वेस्ट करने लगती हैं। सुहो को गुस्सा आता है और वो गन पॉइंट करके सबको चुप होने के लिए बोलता है, जहाँ पर तभी योंगरू को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, उसे लग रहा था ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सुहो से कहती है कि ये हमारा हॉस्टल है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुहो को भी बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, लेकिन योंगरू उन सबको बचाना चाहती थी इसलिए वो सुहो के पास जाती है और उसके पास जाकर वो ये कहती है कि तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी होंगी, सो इसलिए तुम सारी हॉस्टलर्स को छोड़ दो। सुहो को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि योंगरू क्या कहना चाहती है। फिर फाइनली योंगरू बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है कि वो डायरेक्टर चांगसू की बेटी है, जो कि इस कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी हेड है, जिसका साफ मतलब ये था कि योंगरू उसके लिए अकेली ही काफी है और उसे बाकी हॉस्टलर्स की जरूरत नहीं थी। फिर भी ये सच जान के सुहो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जहां वो योंगरू के रिलीज को कैंसिल करके बाकी की 9 गर्ल्स को बाहर भेजने के लिए बोलता है। ये सारी कॉन्वर्सेशन चांगसू भी सुन रहे थे और योंगरू रिहा नहीं हो रही है ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर जैसे ये सब कुछ तामझाम खत्म होता है, उसके बाद सुहो अपनी टीममेट को देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक शॉकिंग मोमेंट आता है और डॉक्टर कैंग सुहो को सीक्रेटली बताती हैं कि ये पूरा हॉस्टल वायर ट्रैप हो चुका है, जिससे कि कोरियन लीडर उनकी सारी बातें सुन सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या चल रहा है। सब कुछ सच जाने के बाद सुहो ब्लैक टाइगर के रूम में जाता है और वो वहां जाके ये कहता है कि उसने पूरे हॉस्टल में बॉम्ब का सेटअप करके रखा है और उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तो अगर साउथ कोरियन लीडर्स ने कुछ भी चलाकी करने की कोशिश की या फिर इस बार उन्हें धोखा दिया तो वो पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देगा। साथ ही वो कहता है कि और उसमें चांगसू को अपनी बेटी यानी कि योंगरू की लाश भी नसीब नहीं होगी। ये सारी बातें चांगसू और बेल भी सुन रहे थे क्योंकि उन्होंने हॉस्टल में वायर ट्रैपिंग जो कर रखी थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उनका पूरा प्लान ही उल्टा पड़ जाता है और टीवी पर ये न्यूज वायरल हो जाती है कि प्रोफेसर हान को नॉर्थ कोरियन स्पाई किडनैप करके अपने साथ में नॉर्थ कोरिया लेकर जा रहे थे, जिसमें हमले में उनकी मौत हो गई है, जहाँ ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी अपोजिशन पार्टी की थी यानी कि चांगसू और बेल की। फिर बेल ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पुलिस चीफ को ये न्यूज बंद करवाने के लिए बोल देता है।
फिर माहौल को ठंडा करने के लिए चैंगसू की वाइफ उन्हें ये सजेस्ट करती है कि उन्हें हॉस्टल में चल रही उस सारी गड़बड़ के बारे में मीडिया को बता देना चाहिए कि नॉर्थ कोरियन स्पाई ने हॉस्टल की गर्ल्स को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, जिससे कि प्रोफेसर हान वाली न्यूज नीचे दब जाएगी और ये हॉस्टल में हॉस्टेज वाली न्यूज फैल जाएगी। और जब तक इलेक्शन नहीं होते, यानी कि 10 दिन तक, वो नॉर्थ कोरियन स्पाई को ये कह के टालकर रखें कि 10 दिन बाद वो उन्हें बाहर जिंदा वापस निकाल लेंगे और उन्हें उनके देश यानी नॉर्थ कोरिया भेज देंगे। साथ ही वो नॉर्थ सेक्रेटरी को इस चीज के लिए कन्विंस कर लें कि वो नॉर्थ और साउथ के बीच हुए डील यानी कि $300 मिलियन के लिए उनके तीनों मामूली स्पाइस यानी सुहो और उसके साथियों को मार दें। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे क्योंकि ये तो जानते ही नहीं थे कि सुहो नॉर्थ सेक्रेटरी का बेटा है, वो कोई मामूली स्पाई नहीं था। वेल, तो ये बात चैंगसू और बेल दोनों को ही पसंद आ जाती है और वो लोग इस पे एग्री भी कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। फिर चैंगसू नॉर्थ सेक्रेटरी को कॉल करके अपनी बात उनके सामने रखता है और ये डील उनसे करने के लिए कहता है। लेकिन नॉर्थ सेक्रेटरी, जो कि सुहो के डैड थे यानी कि उसके फादर थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें उनके तीनों स्पाई जिंदा और सही सलामत चाहिए और अगर उन्हें कोई भी खरोच आई तो दोनों कंट्रीज में वॉर हो जाएगा। फोन कट करते ही नॉर्थ सेक्रेटरी अपनी असिस्टेंट को कहते हैं कि वो कुछ भी करके ये सिग्नल भेजे जिससे कि सुहो समझ जाए कि उसे अपने देश जिंदा वापस आना है और अपने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी है। फिर जैसे ही वो जाते हैं तो उनकी असिस्टेंट फिर से चैंगसू को कॉल करके सुहो और उसके दोनों साथियों यानी उन तीनों स्पाई को मारने का ऑर्डर दे देती है। वो हमेशा से ही चाहती थी कि सुहो वॉर में या फिर कहीं ना कहीं तो मारा ही जाए। वो ऐसा क्यों चाहती थी, ये तो दोस्तों हमें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब ये सच सुहो की डैड को पता चल जाता है कि उस लेडी ने ये खबर वहाँ पे फैला दी है कि सुहो और उसके साथियों को मार दिया जाए। ये खबर सुनने के बाद भी सुहो के डैड बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो भी कुछ ऐसा ही चाहते थे और उस लेडी ने उनका काम आसान कर दिया है। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में ऑफिसर है ना ब्लैक टाइगर को ये न्यूज देती है कि डॉक्टर कैन की मेडिकल किट में एक गन उन्होंने छुपा कर रखी है। लेकिन जैसे ही वो उसे निकाल रहे होते हैं कि तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें उस गन के साथ में पकड़ लेता है। साउथ कोरियन के एक और धोखे से जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो अपने आप ही से बाहर हो जाता है, वो डॉक्टर को बहुत मारता है और फिर उन्हें विंडो पे ले जाके शूट करने ही वाला होता है जहाँ पर यॉन्ग रू भी खड़ी हुई थी। वो उसे धक्का देकर डॉक्टर को वहाँ पर लेकर जाता है और जैसे ही वो शूट करने वाला होता है, लेकिन सुहो वहाँ पर आके उसे रुकने की कोशिश करता है। जॉन नहीं रुक रहा होता है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सुहो उसे रोक लेता है। बाहर खड़ा हुआ बिल ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि डॉक्टर कैन को बचाने के लिए अपने शोल्डर से कहता है कि वो जॉन को शूट कर दे। वही वो गन यॉन्ग रू के हाथ में लग जाती है जो कि उसे उठाकर सुहो को गन पॉइंट करके डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन सुहो उसे गन नीचे करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसका साथी यानी कि जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो यॉन्ग रू को भी हार्म कर सकता है। लेकिन तभी बाहर बेल के कहने पर सोल्जर जॉन को शूट करने की कोशिश करता है जिससे कि विंडो का ग्लास टूट जाता है। जॉन तो भाई पहले से ही ऑलरेडी गुस्से में था और यहाँ पे उसे एक और मौका मिल जाता है और वो गुस्से में बैक शूट आउट कर देता है जिससे कि दोनों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शूट आउट चल रहा होता है और इन सब में सबसे पहले सोहो यॉन्ग रू की जान को बचाता है। वो उसे लेकर साइड में गिर जाता है जिससे कि उसकी पॉकेट में पड़ा यॉन्ग रू का लव लेटर जो कि उसने प्लेन बनाकर फेंका था वो नीचे निकल के गिर जाता है। सोहो उसे वो लेटर छीन लेता है और उसको वापस से अपने पास में रख लेता है। वही सिचुएशन का फायदा उठाकर है ना भागते हुए बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल जाती है और वो अपनी टीम को अंदर हॉस्टल में आकर स्पाई पर अटैक करने के लिए बोलती है। लेकिन उनकी टीम को तो ये ऑर्डर्स मिले थे कि उन्हें स्पाई पर फिलहाल कुछ टाइम तक अटैक नहीं करना है और इसलिए वो लोग उसके साथ में नहीं जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सब कुछ शांत होने के बाद जॉन डॉक्टर कैन को पकड़ कर सुहो के पास लेकर जाता है एक रूम में जहां सुहो उन्हें सैल्यूट करता है। एंड गाइस, यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है और ये रिवील होता है कि डॉक्टर कैन कोई और नहीं बल्कि उनके सीनियर एजेंट है, यानी कि वो भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है जो कि साउथ कोरिया में 17 सालों से छुप कर रह रही थी। फिर वही एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी हेड यानी कि चैंगसू के बेटे योंग के उस बॉर्डर पे हो रही शूटआउट में डेथ हो गई है
जिसका सारा ब्लेम मीडिया सोंगू पे डाल रहे थे और साथ ही वो ये कह रहे थे कि सोहू एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और उसने हॉस्टल में लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। ये सारी न्यूज को देखकर तो हमारी हीरोइन यानी कि योंगरू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसका भाई मारा गया है और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार यानी कि सोहू ही है। जहाँ लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि डॉक्टर कान कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ की एक स्पाई है जो कि बहुत सालों से साउथ में भेस बदल कर बेल की गर्लफ्रेंड बनकर यहाँ पर रह रही थी, लेकिन इस हॉस्टल सिचुएशन की वजह से फिर डॉक्टर कैन को इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नॉर्थ से ऑर्डर मिल जाते हैं क्योंकि वो सुहो और उन बाकी सबकी सीनियर एजेंट थी तो सबको उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चैंगसू की वाइफ ने उनको ये एडवाइस की थी कि अगर उन्हें प्रोफेसर हान वाली सिचुएशन को दबाना है तो उन्हें हॉस्टल सिचुएशन को उभारना पड़ेगा, यानी कि हॉस्टल सिचुएशन के बारे में मीडिया के थ्रू पूरे देश में बताना होगा कि वो हॉस्टल्स को बचाने के लिए स्पाई को मार रहे हैं और इससे वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। जहाँ तीनों एजेंट्स को मारने की परमिशन उन्हें नॉर्थ से भी मिल जाती है, फिर चांगसू सुहो को कॉल करता है और उसे ये हॉस्टल सिचुएशन 10 दिन तक और कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसके बाद वो लोग उन्हें यानी स्पाइस को छोड़ देंगे, लेकिन सुहो बिना कोई जवाब दिए कॉल को कट कर देता है और फिर उसके बाद वो अपनी सीनियर एजेंट यानी कि डॉक्टर कान से स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जहां डॉक्टर कान उन्हें ये सलाह देती है कि उन्हें नॉर्थ से आए हुए सिग्नल्स को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन गाइस ये लोग तो यहाँ पर जानते ही नहीं थे कि नॉर्थ ने तो पहले से ही उनकी मौत का सौदा साउथ के साथ में कर दिया है। स्टिल सुहो नॉर्थ से मिले हुए सिग्नल्स को फॉलो कर रहा होता है जिनमें ये कहा गया था कि उन्हें साउथ कोरिया के साथ में कोऑपरेट करना है। फिर चैंगसू और नामबेल ये सारी सिचुएशन प्रेसिडेंट को बताने के लिए बस निकल ही रहे थे, लेकिन तभी फिर चैंगसू को ये पता चलता है कि नॉर्थ साउथ के बॉर्डर पे जो शूट आउट हुआ था उसमें उसका बेटा भी जख्मी हो गया है। वो फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है कि उसके बेटे यानी कि योंगू की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, जहाँ बस वो अपनी डैड से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके जाने के बाद वो उसकी छोटी बहन यानी कि योंगरू का अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि उसने अपनी डैड मदर के सामने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा अपनी छोटी बहन यानी कि योंगरू का ध्यान रखेगा और उसे कभी भी दुख नहीं होने देगा। फिर चांगसू भी अपने बेटे की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने के कारण उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और योंगू उनके सामने ही दम तोड़ देता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर तो चांगसू बहुत ही ज्यादा बौखला गया था, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, इन सब की वजह वो खुद को ही मान रहा था। दूसरी तरफ ये न्यूज मीडिया के थ्रू योंगू को भी पता चल गई थी और उसने टीवी में देख लिया था कि उसके भाई की मौत हो गई है और सारा इल्जाम मीडिया नॉर्थ कोरियन जासूस यानी कि सोहू पे डाल रहे थे। योंगू पूरी दुनिया में सिर्फ अपने भाई से ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसके अलावा उसे कोई भी समझता नहीं था। ये खबर सुनने के बाद तो उसका दिल पूरी तरह से टूट ही चुका था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोते हुए वो बाहर भागने लग जाती है जहाँ बॉम्ब से बचाने के लिए सुहो उसको रोकने की कोशिश करता है। योंगू को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे भी लग रहा था ये सब कुछ सुहो की वजह से ही हुआ है और वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन उसे इतना ज्यादा दुख था कि वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुहो फटाफट से उठाकर योंगू को डॉक्टर कान के पास लेकर जाता है जो कि हॉस्टल के एक रूम में ही उसका इलाज कर रही होती हैं। वहाँ पर सुहो की इस हालत को देखकर कि वो योंगू के लिए कितना ज्यादा फिक्र कर रहा है, डॉक्टर कान समझ जाती है कि इनके बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। जहाँ डॉक्टर कान उसे ये भी कहती है कि उनकी पर्सनल फीलिंग की वजह से मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुहो डॉक्टर कान से ये कह के वहाँ से चला जाता है कि उसके दिल में योंगू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वहीं बेहोशी की हालत में योंगू एक सपना देखती है कि वो अपने भाई के साथ में है, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया है। फिर जैसे ही वो हड़बड़ाकर उठती है तो वो देखती है कि सच में वो अपने भाई को हमेशा के लिए खो चुकी है। डॉक्टर कैन योंगू को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसके गले में पड़ा हुआ सोहू का वो लॉकेट देख लेती है जो कि एक बार उन्होंने सोहू से मांगा भी था, लेकिन सोहू ने उसे ये कह के देने से इनकार कर दिया था कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और वो उसे किसी को भी नहीं दे सकता। ये सब कुछ देखकर तो डॉक्टर कान को सोहू के दिल में योंगू के फीलिंग्स है और ये सब कुछ कंफर्म हो जाता है। योंगू अपने भाई को आखिरी बार देखना चाहती थी, वो उससे मिलना चाहती थी और इसलिए वो सोहू से उसे रिलीज करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर कान वही थी और इसलिए सोहू उसे रिलीज करने की रिक्वेस्ट को दरखास्त करके उसे बाकी हॉस्टल के साथ में जाके बैठने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ चैंगसू अपने मरे हुए बेटे की फोटो के सामने इस गिल्ट में बैठा हुआ था कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है,
लेकिन उसकी वाइफ तो इस बात का भी फायदा उठाती है। वो चीफ को कॉल करके मीडिया से ये कहने के लिए कहती है कि चैंग सो ने ये जानने के बाद भी कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने अपने प्यारे बेटे को बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा था। यानी कि वो ये साबित करना चाहती थी कि चैंग सो कितना बड़ा देशभक्त है और उसने देश की सेफ्टी के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि इलेक्शन में लोग उन्हीं को वोट दे और रूलिंग पार्टी एक बार फिर से जीत जाए। फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है क्योंकि पुलिस चीफ और रूलिंग पार्टी मिलकर हॉस्टेज सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अंदर 3 नहीं बल्कि 7 स्पाई हैं और वो उन सबको मारकर सारी हॉस्टेज को बचा लेंगे। फिर ये न्यूज सुनकर सुहो डॉक्टर कैन से कहता है कि क्या हमें सच में साउथ कोरियन पे यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि वो हम सबके बारे में बाहर झूठ फैला रहे हैं। डॉक्टर कैन कहती हैं कि वो समझते हैं कि हम उनके पपेट्स हैं, लेकिन हमें उन्हें उनका करारा जवाब देना ही चाहिए और इसलिए हमें 30 हॉस्टेलर्स को रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इतनी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन 30 हॉस्टेलर्स में योंगरू का नाम नहीं होता है तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि वो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर की बेटी है तो अब ऐसे तो ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो उनके लिए हुक्म का इक्का हुई। फिर वहीं लास्ट नाइट ब्लैक टाइगर ने जैसे तैसे करके खुद को छोड़ लिया था और वो यहाँ वहाँ हॉस्टल में घूम रहा था। फिर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर जाकर वो सब कुछ चेक करने लग जाता है। वहाँ का सेटअप तो एकदम गजब ही था जिसे देख कर तो ब्लैक टाइगर भी खुद शौक में आ गया था। दरअसल हॉस्टल की वार्डन ने ये सारा प्लान बनाया था। उसने हॉस्टल की सारी गर्ल्स के रूम में वायर ट्रैप करके रखा हुआ था ताकि वो उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस रूम में बैठे ही निकाल सके। ये सब कुछ देखकर तो भाई ब्लैक टाइगर 2 सेकंड में समझ जाता है कि वार्डन भी नेशनल सिक्योरिटी के एजेंट के तौर पर काम करती है और स्पाइक उस पर बिल्कुल भी शक ना हो इसलिए फटाफट से जाकर वो अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड यानी कि अंकल किम का बेटा जिसका नाम जॉर्ज है वो नॉर्थ कोरियन स्पाई के पैसे चुराते हुए पकड़ा जाता है। जॉन वहां उसे देख लेता है और वो उसे बहुत मारता है बाहर लाकर सबके सामने। जहां पर अंकल किम उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं तो जॉन उन्हें भी मारने लग जाता है और ये सब कुछ देख कर तो ब्लैक टाइगर चुप नहीं रहता और वो उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। जॉन गुस्से में आकर उन तीनों को ही कहीं अलग रूम में जाकर बांध देता है जहाँ से बाहर निकल के भागने के लिए फिर अंकल किम ब्लैक टाइगर को वो खुफिया रास्ता बताते हैं जो कि बेसमेंट के थ्रू जाता है। ब्लैक टाइगर फटाफट से वहाँ से निकलकर बाहर जाता है और वो अपने एजेंट्स को अंदर आने के लिए कहता है ताकि वो स्पाइस को पकड़ सके। लेकिन भाई यहाँ तो गेम उल्टा पड़ जाता है। सारे सोल्जर्स नाम बेल के इंस्ट्रक्शन पे ब्लैक टाइगर पर ही फायर करते हुए उसे वापस अंदर जाने के लिए कहते हैं। ब्लैक टाइगर भी समझ गया था कि शायद अब ये लोग उसकी हेल्प करने वाले नहीं है और इसलिए वो वापस से वार्डन के ही सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ से वो सारे रूम में हो रही हलचल को ट्रैप करने लगता है। जहाँ पर उसे ये पता चल जाता है रिकॉर्डिंग सुन के कि डॉक्टर कैन भी नॉर्थ कोरिया की एजेंट है और वो स्पाई के साथ में मिली हुई है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये हॉस्टेज सिचुएशन सिर्फ नॉर्थ और साउथ के बीच में हुई वो इलेक्शन डील की वजह से ही हुई है। फिर वो फटाफट से वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन तभी सुहो आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। वो उसे ये समझाता है कि ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में पहले से ही तय है और इसलिए सुहो का भी यहाँ से बच कर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हो सकता है ये लोग सारे हॉस्टलर्स को भी मार देंगे और उसके साथ में उन सबको भी। सुहो भी यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो साउथ कोरियन लीडर्स अपने ही एजेंट्स पे फायर कर सकते हैं वो तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और उन पर यकीन करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। फिर सुहो ब्लैक टाइगर को उसकी जगह पर ही बांध देता है जहाँ पर योंगरू उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे पूछती है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटी हमें बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है क्योंकि वो बाहर निकल कर अपने भाई से आखिरी बार मिलना चाहती थी। लेकिन फिर ब्लैक टाइगर उसे हो रही सारी गड़बड़ के बारे में समझा देता है। साथ ही वो कहता है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे वरना सुहो पूरे हॉस्टल में बॉम ब्लास्ट कर देगा क्योंकि उसने पूरे हॉस्टल में बॉम प्लान किया हुआ है जिसका रिमोट उसके पास में ही है। फिर जब नेक्स्ट सीन में सुहो योंगरू के हाथ में पट्टी कर रहा होता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, क्या तुम मेरे लिए आए हो। लेकिन सुहो उसे कहता है कि उसे भी उसे तंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसे तकलीफ देना नहीं चाहता है लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि योंगरू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर की बेटी है जो कि उसके और उसकी टीम के लिए एक हुक्म का इक्का है और वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। सुहो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और वो ये कहता है कि वो 9 दिन के बाद में उन सबको छोड़ देगा और फिर उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। फिर जैसे ही वो जा रहा होता है तो योंगरू उसे हग कर लेती है और रोने लगती है। फिर जहाँ सुहो भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो पाता है और वो भी योंगरू को हग कर लेता है।
जहाँ ये प्यारा सा मोमेंट चल ही रहा था और हम व्यूअर्स को बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन तभी उसी टाइम पे इस रोमांटिक सिचुएशन में एक ट्विस्ट आता है। यंग रो अपने आप को संभालते हुए सोहो की बैक पॉकेट में से बॉम्ब का वो रिमोट निकाल लेती है। फिर वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि यही वो रिमोट है ना जिसका एक बटन दबाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यंग रो को इस तरह से देखकर तो सोहो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ वो उसे कहती है कि अगर तुम किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हो तो ये रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जहाँ सोहो एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो 9 दिन बाद सब कुछ छोड़ देगा। साथ ही वो कहता है कि ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि वो और उसकी टीममेट सारे सेफ रहें और साउथ कोरिया के लोग उन्हें तंग ना करें। लेकिन फिर भी यंग रो उस रिमोट कंट्रोल को रूम के बाहर बस फेंकने ही वाली होती है, लेकिन तभी सोहो उसे पकड़ लेता है। वो फिर से उसे प्यार से समझाता है और इस पर यंग रो शांत हो जाती है। लेकिन इन दोनों को ये सब करते हुए डॉक्टर कैन देख लेती है और फिर उसके बाद वो उससे रिमोट कंट्रोल ले लेती है। साथ ही वो सोहो को कहती है कि अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की या फिर कोई भी गद्दार की तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। फिर सोहो ब्लैक टाइगर के पास जाता है। वो उसे बहुत गुस्से में डांटने लग जाता है क्योंकि वही था जिसने यंग रो को रिमोट कंट्रोल और बॉम्ब प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताया था। सोहो उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ब्लैक टाइगर फिर भी उसे कन्विंस करता है और कहता है कि ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से हो रहा है और नॉर्थ और साउथ ने आपस में प्लानिंग की हुई है। साथ ही ब्लैक टाइगर कहता है कि $300 मिलियन के लिए तुम और तुम्हारे टीममेट्स की जान लेना नॉर्थ और साउथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोहो बहुत ज्यादा सोचता है, समझता है और वो ब्लैक टाइगर को कहता है कि वो सप्लाईज मांगने के जरिए ऑफिसर हाना को एक बार फिर से हॉस्टल में बुलाएगा। जहाँ ब्लैक टाइगर उसे अच्छे से समझा दे कि उसे नॉर्थ और साउथ की हुई इस डील के सारे सबूत लाकर सोहो को दिखाने हैं ताकि उसे यकीन हो जाए इस बात का कि नॉर्थ कोरिया ने सोहो और उसके साथियों को मारने का ऑर्डर दे दिया है सिर्फ अपनी डील पूरी करने के लिए। ये ब्लैक टाइगर के पास सिर्फ आखिरी मौका होगा ये साबित करने के लिए, क्योंकि इसके बाद सोहो उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। फिर सोहो कॉल करके नाम मिल से ऑफिसर हाना को हॉस्टल बुलाने के लिए कहता है सप्लाईज के जरिए। लेकिन यहाँ तो इन सबको यही लग रहा था कि शायद सोहो और उनके बाकी स्पाइस को हैना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। लेकिन ऑफिसर हाना अंदर जाने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बट पुलिस चीफ और नाम बिल उसे अंदर भेज देते हैं सप्लाइज के साथ में। फिर जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी चेकिंग होती है, फिर उसे ब्लैक टाइगर से मिलवाया जाता है जहाँ ब्लैक टाइगर उसे सारी सिचुएशन समझा देता है कि उसे नॉर्थ और साउथ की हुई बीच की डील के बारे में सबूत लेकर आनी है। साथ ही वो हाना को ये भी बताता है कि वो हॉस्टल से बाहर निकल गया था लेकिन उनकी टीम ने उसकी कोई हेल्प नहीं की बल्कि उसे गोलियां चलाकर वापस अंदर भेज दिया। वो उसे कहता है कि ये सब कुछ इलेक्शन के लिए ही किया जा रहा है और उनकी कंट्री को हॉस्टेज और उन्हें बचाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पहले तो हाना काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ब्लैक टाइगर और सोहो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर वो उसकी बात मान लेती है। एंड गाइस यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि हाना यानी कि जांग हाना और ब्लैक टाइगर ये दोनों फियांसे हैं, क्योंकि ब्लैक टाइगर सोहो से कहता है कि उसे अपनी मंगेतर से कुछ देर के लिए अकेले में बात करनी है यानी कि जांग हाना से। फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोहो 30 हॉस्टेलर्स को जांग हाना के साथ में रिलीज कर देता है। ये सब कुछ देखकर तो भाई कोरियन लीडर के कैंप में नाम बेल बुरी तरह से बौखला जाता है। वो जांग हाना पर ही गुस्सा करने लग जाता है कि वो इतनी सारे हॉस्टेलर्स को बाहर क्यों लेकर आई है। जहां हाना ये कहती है कि बल्कि उन्हें तो और खुश होना चाहिए कि उन्होंने हॉस्टेलर्स को छोड़ दिया है, तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। जहाँ नाम बेल कहता है कि वो खुश है और इसलिए उसका ऐसा ही रिएक्शन आ रहा है। वहीं इसी बीच मौका पाते ही जांग हाना वॉइस टैपिंग डिवाइस को नाम बेल के टेबल के नीचे सेट कर देती है जिससे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ब्लैक टाइगर पे बैक फायरिंग वाली न्यूज चोंगसु को भी मिल गई थी। फिर वो कैंप में आकर नाम बेल को वार्न करता है। वो उसे कहता है कि उसने जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो ब्लैक टाइगर को उन सब पे शक हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब कुछ इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है, और जैसे ही वो बाहर आएगा वो सब कुछ सच बता देगा। जहाँ नाम बेल कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि वो लोग यंग्र को बाहर निकाल कर बाकी सारे लोगों को यानी कि ब्लैक टाइगर और उन तीनों स्पाइस के साथ में पूरे हॉस्टल को ही उड़ा देंगे और सब मारे जाएंगे। ये सारी बातें उस वॉइस टैप की वजह से जांग हाना भी सुन रही होती है और साथ ही वो ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही होती है ताकि वो सोहो को सबूत दिखा सके।
वहीं दूसरी तरफ जांग हाना का एक फ्रेंड जो कि एक रिपोर्टर है जिसका नाम काल है, उसको भी इस इलेक्शन वाली सिचुएशन पे डाउट हो जाता है और वो भी सबूत इकट्ठे करने लग जाता है, जिसके लिए वो फूड डिलीवरी बॉय बनकर कैंप के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एक कैमरा भी लेकर जाता है और सच जाने के लिए वहाँ रिकॉर्डिंग करने लग गया था। फिर वो बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें जांग हाना पहले से ही मौजूद थी। वो लोग सारे सबूत को इकट्ठा करके आपस में बात कर ही रहे होते हैं, साथ ही में वो वॉकी टॉकी से ब्लैक टाइगर को सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं कि उनके पास सारे सबूत आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैंप के अंदर पुलिस चीफ बहुत ही चालाकी से जांग हाना की इस वॉइस टैपिंग डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ उसका सारा शक उस फूड डिलीवरी बॉय पर जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए अपने चमचे को उसके पीछे भेज देता है। फिर ढूंढते हुए वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ वो हाना और काल को साथ में देखते हैं, जिससे कि उनका डाउट पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और वो दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच जांग हाना वो सारे सबूत गाड़ी में ही छुपा देती है। हाना और काल पकड़े गए हैं, ये बात ब्लैक टाइगर सुह को भी पता चल जाती है। सुह पे ब्लैक टाइगर भड़क जाता है कि उसकी वजह से ही हाना पकड़ी गई है और ये छोटा सा फैक्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है और इसके लिए भी उसे सबूत चाहिए, लेकिन सुह उसकी बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसे सच में सबूत देखना था। ब्लैक टाइगर यहाँ पे समझ गया था कि अब जो भी करना है वो उसे खुद को अकेले ही करना है और इसलिए फिर वो वार्डन और यांगरू के साथ में मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि ये सब लोग यहाँ से भाग सकें। साथ ही वो यांगरू को बता देता है कि डॉक्टर कान भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है जो कि इनके साथ में मिली हुई है और इसलिए सब लोगों को उससे भी बचकर रहना है और कोई भी प्लान उसके साथ में डिस्कस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वार्डन सारी गर्ल्स को साथ में लेकर योगा करवा रही होती है, जहाँ बरसुह और बाकी के स्पाइस आ जाते हैं और वो लोगों ने रोकने लग जाते हैं, लेकिन वार्डन उससे कहती है कि वो इतने टाइम से यहाँ पर बंद है और उन्होंने नहाया धोया नहीं है और ना ही उन्होंने ब्रश किया है। स्पाइस इतनी ज्यादा तो बेरहम नहीं हो सकते हैं कि वो उन्हें डेली रूटीन की चीजें भी ना करने दें। फिर उनकी ये सारी बातों को सुनकर सुहो एक बार में 10 लड़कियों को जाकर फ्रेश होने के लिए बोल देता है, जहाँ 10 लड़कियाँ फटाफट से भागकर अपने रूम में जाती हैं और जाकर वहाँ से कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लग जाती हैं। लेकिन यांगरू का तो यहाँ पे कुछ और ही प्लान था। वो अपनी वॉच में एक अलार्म सेट करके उसे बेसमेंट से बाहर जाने वाले रास्ते में फेंक देती है और वो खुद जाकर वार्डन के सीक्रेट रूम में छुप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही अलार्म बजने लग जाता है। जॉन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे लगता है कि शायद यांगरू वहाँ उस रास्ते से भागने की कोशिश कर रही है और ये बात जाकर वो सुह को बता देता है। फिर सुहू और जॉन दोनों यांगरू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉबी में ब्लैक टाइगर ने उनके तीसरे एजेंट को बेहोश कर दिया था और फिर वो वार्डन से उन सबको लेकर बाहर जाने के लिए बोलता है। खुद वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर डॉक्टर कैन थी। वो उनसे जाकर कहता है कि डायरेक्टर ने उन्हें एक मिशन दिया है जिसमें उसे यांगरू और डॉक्टर कैन को सबसे पहले बाहर निकालना है और उन्हें एक सेफ जगह पर रखना है। फिर जैसे ही डॉक्टर कैन उसके साथ में जाती है, ब्लैक टाइगर उन्हें फोर्थ फ्लोर वाले रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और सोहू यांगरू को ढूंढ रहे थे, तो जब जॉन नीचे बेसमेंट में देखने के लिए जाता है तो गांगटी और उसका दोस्त नीचे का गेट बंद कर देते हैं ताकि जॉन ऊपर ना आ पाए। सोहू भी यांगरू को ढूंढते हुए वार्डन के सीक्रेट वाले रूम में पहुंच जाता है। वो डोर के बाहर खड़ा होकर ही उसे बाहर आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यांगरू बाहर नहीं आती है कि तभी वहां पर ब्लैक टाइगर आ जाता है जो कि सुहो पर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर दोनों में हाथापाई होती है और यांगरू बाहर आ जाती है, जहाँ ब्लैक टाइगर ने सोहू को पकड़ लिया था और उसके हाथों को भी बांध दिया था। वहीं दूसरी तरफ सारे हॉस्टल्स को लेकर वार्डन बाहर बस भागने ही वाली होती है, लेकिन डोर पर तो बॉम्ब लगा हुआ था, जहाँ ब्लैक टाइगर आकर पहले उस बॉम्ब को हटा देता है। फिर जैसे ही वो सब बाहर भागने वाले होते हैं, कहानी में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि डॉक्टर कान ने खुद को फोर्थ फ्लोर वाले रूम से छुड़ा लिया था और वो बाहर आ गई थी। फाइनली वो सबके सामने आती है और उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जहाँ सब उसे देखकर बहुत बुरी तरह से शॉक हो गए थे। डॉक्टर कानून सबको धमकी देते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देगी। सुहो यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर कान अपने मिशन से पीछे हटने वाली नहीं है, जिसमें वो सबको मार भी सकती है। लेकिन भाई पागल क्वांटे वो तो पागल ही रहेगा, यहाँ पर उसे इन सबका कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो बाहर जाने लग जाता है कि तभी डॉक्टर कान ने बम ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से साउथ कैंप में रह रहे लीडर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे क्योंकि उन सबको लग रहा था कि पूरे हॉस्टल के बच्चे शायद मारे गए हैं। सबकी रूह कांप गई थी, लेकिन फिर हमें गाइस ये पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट तो बस दो एरिया में ही हुआ था, जिसका साफ मतलब ये था कि सोहू ने सबसे झूठ कहा था कि उसने पूरे हॉस्टल में बॉम्ब प्लानिंग की है, जबकि बॉम्ब ब्लास्ट तो सिर्फ दो एरिया में ही हुआ था।
सारे हॉस्टलर्स भी बहुत ज्यादा डर गए थे इतने बड़े धमाके की वजह से। वो सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। चाह इतने में ही डॉक्टर कान सुहो के हाथ खोल देती है। फिर जॉन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर डॉक्टर कान इन सब के मास्टरमाइंड के बारे में पूछती है, जिसकी वजह से सारे हॉस्टल्स बाहर भाग रहे थे, जिसमें तीन लोगों का नाम सामने आता है, वार्डन, ब्लैक टाइगर और यंगरू। लेकिन यंगरू सारा इंजाम अपने ऊपर लेकर कहती है कि ये सारी उसी की प्लानिंग थी और इन सब की जिम्मेदार वही है। साथ ही वो डॉक्टर कान को कहती है कि वो लोगों के इलाज के लिए यहाँ पर हॉस्टल में उनका मसीहा बन के आई थी, लेकिन वो तो खुद एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है। योंगरू की ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कान को गुस्सा आता है और वो उसकी तरह गन पॉइंट करने लग जाती हैं, लेकिन फिर वार्डन उसे संभाल के नीचे बैठा देती हैं, जिससे कि मामला थोड़ा सा यहीं पे शांत हो जाता है। वहीं इस धमाके की वजह से नॉर्थ कोरियन एजेंट यानी कि सुहु के एक एजेंट साथी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही वो कुछ समझ पा रहा था। लेकिन फिर सुहो जैसे तैसे करके अपने साथी को संभाल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ बाहर कैंप में चैंगसू बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट में कहीं उसकी बेटी यानी योंगरू को कहीं कुछ हो ना गया हो, और इसलिए फिर वो सुहो को कॉल करता है और वो उसे योंगरू को रिलीज करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो साउथ कोरियन सोल्जर की तरफ से होने वाले हमले के लिए तैयार रहे। सोहो योंगरू को तो रिलीज करने वाला नहीं था, लेकिन चैंगसू की चिंता को देखकर वो योंगरू को एक बार उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है कि उनकी बेटी बिल्कुल सही है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर कान को सोहो का ये डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कहीं योंगरू उनकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील ना कर दे और सबको ये ना पता चल जाए कि डॉक्टर कान नॉर्थ की एक स्पाई एजेंट है। वही फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन ग्वांगटे और उस मिलिट्री बॉय को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, क्योंकि उन दोनों ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। सारे हॉस्टल्स उसे इस रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन फिर यंगरू अपनी आवाज उठाती है और वो उसे रुकने के लिए कहती है। जॉन को तो यंगरू पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे भी मारने जाता है, लेकिन तब तक सुहो वहाँ पर आकर उसको वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर कान जॉन को सुहो के पीछे भेजती है, साथ ही वो कहती है कि अगर यंगरू ने उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की तो तुम उसे शूट कर देना। योंगरू यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। वो सुहो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुहो देखता है कि पीछे से जॉन आ रहा है और इसलिए वो उसके साथ में सख्ती से पेश आने लग जाता है। योंगरू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गले में पड़ा हुआ सुहो का वो नेकलेस उतार कर फेंक देती है गुस्से में। फिर सुहो उसे ले जाकर विंडो के पास में खड़ा कर देता है, ताकि चैंगसू अपनी बेटी को देख सके कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ है। योंगरू और उसके फादर ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि योंगरू ने अपने भाई को और उसके फादर ने अपनी इकलौते बेटे को जो खोया था। योंगरू यहाँ पर उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन स्टिल वो सिर्फ इतना ही कहती है कि वो उसके भाई को पूरी रिस्पेक्ट और प्यार के साथ में आखिरी अलविदा दे दी। वहीं सोहो ने भी देख लिया था कि जॉन पीछे योंगरू पे गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है और उसे वो कभी भी शूट कर सकता है, और इसलिए वो योंगरू को कुछ भी उल्टा सीधा बताने के लिए मना करता है। लेकिन स्टिल योंगरू अपने फादर के सामने ये कह देती है चिल्लाकर कि यहाँ पर वो किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनते ही जॉन फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सोहो अपने प्यार यानी योंगरू को बचा लेता है। दूसरी तरफ से साउथ कोरियन सोल्जर्स भी शांत नहीं बैठते, वो लोग भी फायरिंग करने लग जाते हैं। यहाँ इसी फायरिंग के बीच में सोहो को एक गोली भी लग जाती है, लेकिन वो योंगरू को लेकर वहाँ से सही सलामत निकल जाता है। फिर जब डॉक्टर कान को ये पता चलता है कि योंगरू ने उनके बारे में बताने की कोशिश की है, तो वो योंगरू को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे बेसमेंट में बिना खाना पानी दिए ही बंद करने के लिए जॉन से बोल देती है। सो भी बेचारा यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बस खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था। फिर डॉक्टर कान देखती है कि सोहो के हाथ में गोली लगी है, लेकिन सोहो का तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था इस चीज पे, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो योंगरू की तरफ था। वही योंगरू के साथ में ब्लैक टाइगर और वार्डन को भी बेसमेंट में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भागने का मास्टर प्लान जो बनाया था। फिर यहाँ पर ब्लैक टाइगर वार्डन से नेशनल सिक्योरिटी की एजेंट बनने की वजह पूछता है। फिर फाइनली यहाँ पे वार्डन का भी एक राज खुलता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पुलिस चीफ वार्डन को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जहाँ वो उसे ये कन्फेस करने के लिए कह रहा था कि वो नॉर्थ कोरियन स्पाई है, जबकि वार्डन इस बात से इनकार कर रही थी। जहाँ ये सीन देखकर दोस्तों हम साफ साफ समझ पा रहे थे कि वार्डन की बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी कि वो एक पुलिस एजेंट बनी है, क्योंकि वो ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। ये सब कुछ सोचते ही वार्डन की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन स्टिल वो ब्लैक टाइगर को सच नहीं बताती है, तो ये क्या सच है ये तो हमें आगे की स्टोरी में पता चल ही जाएगा।
फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्टेज बने बच्चों के सारे पेरेंट्स बाहर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जिन्हें शांत करने के लिए नामबेल एक प्लान बनाता है। वो सुहो को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे सारे बच्चों की रिकॉर्डिंग करनी है एक कैमरा में और उसे बाहर सबको दिखाना है ताकि सारे पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए। जहाँ पर सुहो भी ये डिमांड करता है कि वो कैमरा लेकर जान हाना उसके पास में आएगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट सीन में हमने देखा ही था कि सुहो ने जांग हाना को साउथ और नॉर्थ के बीच में हुई स्पाइस को मारने वाली उस डील के बारे में सबूत लाने के लिए कहा था और इसलिए वो चाहता था कि जांग हाना ही अंदर आए। लेकिन डॉक्टर कान तो फिर से सुहो के उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भेजने के खिलाफ होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका राज बाहर किसी भी तरह से लीक हो जाए। लेकिन सुहो उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो सच जानना चाहता था। सुहो के इस बदलते एटीट्यूड को देखकर डॉक्टर कान समझ जाती है कि हो सकता है कि सुहो बाद में जाके उन्हें धोखा दे देगा और इसलिए वो जॉन गन पर नजर रखने के लिए कहती है, जहाँ जॉन भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही सुहो पर नजर रख रहा था। लेकिन इसके लिए उन्हें एक और हेल्पर की जरूरत होती जो कि सारे हॉस्टल्स को कंट्रोल में रख सके। फिर इसके लिए डॉक्टर कान हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर यानी कि बोजो को बुलाती हैं क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि बोजो की नजर नॉर्थ कोरियन के पैसों पर है और वो एक लालची लड़की है, तो इसलिए उसको अपने काबू में करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और वो आसानी से उनकी बातों में भी आ जाएगी। फिर वो ये काम करने के लिए बोजो को बहुत सारे पैसे देती है और साथ में उसकी सेफ्टी के लिए एक गन भी उसे ऑफर करती है। लेकिन बोजो को डर था कि बाहर अगर ये बात लीक हो गई कि उसने नॉर्थ कोरियन स्पाइस का साथ दिया है तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर कान उसे अश्योर करती है कि ये बात बाहर बिल्कुल भी लीक नहीं होगी और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जहाँ पर बोजो समझ जाती है कि हो सकता है कि नॉर्थ एजेंट सारे हॉस्टल्स को मार देंगे और जान बचाने का यही एक तरीका होगा कि अभी वो उसका साथ दे, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। फिर बोजो अपने रूम में जाती है, कमाल की ड्रेस पहन कर आती है और एकदम नए अवतार में उस रूम में एंटर हो जाती है जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे यानी कि प्रेयर रूम में, जहाँ उसे इस अवतार में देखकर तो सारी लड़कियाँ सब लोग शॉक्ड हो गए थे। फिर डॉक्टर कान सारे हॉस्टल्स को बताती है कि बोजो अब उनके साथ में है और वो उन सब पे नजर रखने वाली है। जहाँ ये पावर मिलने के बाद तो नॉर्मल से दिखने वाली टेलीफोन ऑपरेटर यानी कि बोजो के तो हाव भाव भी पूरी तरह से चेंज हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में आ गई थी, जो कि सारे हॉस्टल्स पर अपना हुक्म चला रही थी और सबको नीचा भी दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ चांग हाना कैम रिकॉर्डर लेकर वहां पर आ जाती है और वो सुहो को उसे पकड़ा देती है, साथ ही वो सबूत भी दे देती है जिसमें ये साबित हो रहा था कि $300 मिलियन के बड़े अमाउंट के आगे नॉर्थ कोरियंस ने अपने तीनों स्पाइस को मारने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। फिर जैसे ही वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है तो सुहो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जहाँ पहले तो उसे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि उसके फादर को शायद उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है, क्योंकि उनके रहते तो नॉर्थ लीडर कभी भी सुहो को मारने की परमिशन दे ही नहीं सकते। फिर वो अपने फेलो एजेंट से बात करता है जहाँ पे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि उसके फादर अभी भी अथॉरिटी में है, साथ ही उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया नहीं गया है। सुहो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे सदमा लग जाता है कि उसके फादर ने उसे धोखा दिया है। फिर फाइनली ये राज रिवील होता है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि सुहो और उसकी बहन एक क्रांतिकारी के बच्चे थे और सुहो की बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो उसे लेकर सड़क पर बैठा हुआ था। फिर वहाँ से एक गाड़ी निकलती है जो कि एक पॉलिटिशियन की थी, वो उससे हेल्प मांगता है, साथ ही वो कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बहन की जान बचा ली तो वो उनके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो चाहते हैं। जिसका साफ मतलब ये है कि दो गरीब बच्चों को सड़क से उठाकर उसके हेल्प करने के पीछे उस पॉलिटिशियन का यही मकसद था कि वो फ्यूचर में उसे अपने काम के लिए यूज कर सके। सब कुछ सच जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। वही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर कान बैठकर कुछ खाने की तैयारी कर रही होती है, जहाँ पीछे से कोई गेट खुलकर आता है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें भी भूख लगी है, और वहीं पे वो डॉक्टर कान को गन पॉइंट कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक टाइगर होता है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक टाइगर को किसने छुड़वाया, तो उसको छुड़वाया था सुहो ने। दरअसल हुआ ये था, सब कुछ सच आने के बाद सुहो अपने आप को संभालता है, वो नॉर्थ कोरियन के लीडर्स के पैसों की लालच में खुद की कुर्बानी इस हॉस्टल में नहीं देना चाहता था और इसलिए वो अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है। फिर सुहो बेसमेंट में जाता है जहाँ वो यंग रो वार्डन के साथ साथ में ब्लैक टाइगर को भी खोल देता है, साथ ही वो ब्लैक टाइगर से कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है, और फिर उसके बाद वो उसके साथ में टीम अप कर लेता है ताकि वो सारी सिचुएशन से बाहर निकल सके और पूरे हॉस्टल्स को बचा सके और साथ ही अपनी और अपने नॉर्थ कोरियन स्पाई की जान भी वो बचा सके।
फिर यंग रो वार्डन को वहीं रुकने के लिए बोल के वो ब्लैक टाइगर को लेकर ऊपर जाता है, जहाँ पर ब्लैक टाइगर डॉक्टर कान का गन पॉइंट कर लेता है। सुहो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख कर डॉक्टर कान तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो उसे गद्दार कहती है। सुहो जानता था कि डॉक्टर कान अभी उसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगी और इसलिए वो लोग उसे बांधने लग जाते हैं, लेकिन बुजो वहाँ पर जा रही थी और वो उन दोनों को डॉक्टर कान को बांधते हुए देख लेती है। यहाँ पर वो समझ जाती है कि शायद अब उनका भांडा फूटने ही वाला है, इसलिए वो फटाफट से जॉन के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई जाके बता देती है कि डॉक्टर कान को सुहो और ब्लैक टाइगर ने पकड़ लिया है और डॉक्टर कान उसे गद्दार कह रही है। फिर जॉन गुस्से में वहाँ जाता है, लेकिन सुहो उसे पकड़ लेता है और ब्लैक टाइगर उसे भी बांध देता है। फिर सुहो उन दोनों को बैठा कर वही टेप रिकॉर्डिंग उन दोनों को सुनाता है और उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें सुहो का साथ देना होगा, लेकिन वो दोनों सुहो का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। जॉन को भी पकड़ लिया गया है, ये बात जानकर तो बुजो पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर सुहो और ब्लैक टाइगर अपने मिशन में कामयाब हो गए और उन्होंने सारे हॉस्टल्स को बचा लिया तो ये बात बाहर फैल जाएगी कि बुजो ने नॉर्थ कोरियन स्पाई का साथ दिया है। तो भाई इसलिए तो बुजो अपना ही अलग प्लान बनाती है और वो यंगरो को नीचे बेसमेंट से निकाल कर ऊपर उनके पास में लेकर जाती है, जहाँ पर वो यंगरो को गन पॉइंट करती है और सोहो से डॉक्टर कान और जॉन को रिहा करने के लिए कहती है। ब्लैक टाइगर और सोहो उसे समझाती है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझती। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर कान को छोड़ते वार्डन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बुजो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई बुजो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर वार्डन गुस्से में आकर यंगरू को सामने से हटाकर बुजो के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे मारने के लिए कहती है। बुजो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो गन चला देती है। सब लोग यहाँ बहुत शौक थे, सबको लग रहा था कि शायद आज तो भाई वार्डन मरने वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कान ने जो गन बुजो को दी थी उसकी सेफ्टी के लिए उसमें तो बुलेट्स ही नहीं थी। ये देखकर तो भाई बुजो के छक्के ही छूट जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सुहो और ब्लैक टाइगर ने जाकर सारी हॉस्टल्स को ये बता दिया है कि उनकी कंट्री नॉर्थ कोरिया के साथ में मिलकर कैसी डील बना रही है और कैसे वो लोग सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में उन सबको मारने वाले हैं। साथ ही वो कहते हैं कि ब्लैक टाइगर और सुहो साथ में मिलकर प्लान बना रहे हैं कि वो सब लोग यहाँ से जिंदा बचकर बाहर कैसे जा सकते हैं, लेकिन तब तक सारे हॉस्टल्स फ्री हैं, वो हॉस्टल में कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी सारी डेली एक्टिविटीज करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। लेकिन भाई बुजो वो तो इतनी बदतमीज़ लड़की थी, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती है और वो जाकर सीधा अपने रूम में वार्डन का वो वॉकी टॉकी निकालती है जो कि उसने पहले छुपा के रख लिया था, जो कि उन्हें पुलिस ने दिया था। जहाँ वो उस वॉकी टॉकी से चीफ पुलिस को कांटेक्ट करती है और वो उसे सुहो और ब्लैक टाइगर के हाथ में लाने वाली बात बस बताने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक टाइगर पहुँच जाता है और वॉकी टॉकी उसे छीन लेता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वार्डन के कहने पे उसे उसकी जान बख्शनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन बुजो यहाँ पर ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि वार्डन ने उसकी जान क्यों बचाई। तो ये रहस्य तो गाइस आगे खुल ही जाएगा। फिर ब्लैक टाइगर बुजो को वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो वो उस पे नॉर्थ कोरियन स्पाई का साथ देने और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लगा के उसे जेल के अंदर बंद करवा देगा। फिर वहीं दूसरी तरफ चैंगसु बहुत ज्यादा वरीड हो गया था, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो सोच रहा था कि यंगरू को वो लोग कहीं मार ना दे, और इसलिए वो नॉर्थ कोरियन रिप्रेजेंटेटिव चोई सोरियांग से बात करता है, जहां वो उनसे कहता है कि वो अपने स्पाइस को बोल दे कि वो सबसे पहले उसकी बेटी को छोड़ दे। जहां पर इस अपॉर्चुनिटी को तो चोई सोरियांग छोड़ ही नहीं सकती थी और वो इसका फायदा उठाते हुए चैंगसु को कहती है कि वो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए उसे डील में हुए वो 300 मिलियन डॉलर को 3 दिन के अंदर ही उनके पास पहुंचाना होगा, वरना उनके स्पाइस उसकी बेटी यानी यंगरू और खुद के साथ साथ पूरे हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देंगे। फिर वही चैंगसु को ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने ओपीसी के लिए पुलिस चीफ को अपॉइंट कर लिया है, जो कि एनएसपी के सारे पैसों के मामलों को हैंडल करने वाला है, और ये मेहरबानी प्रेसिडेंट ने उस पर इसलिए की थी क्योंकि उसने एक बार प्रेसिडेंट के बेटे को एक स्कैंडल में फंसने से बचाया था, जिससे खुश होकर उन्होंने पुलिस चीफ को ये पोजीशन दी है। फिर ये सब कुछ आने के बाद चैंगसु पुलिस चीफ के पास जाता है, वो उसे 300 मिलियन डॉलर अरेंज करने के लिए कहता है ताकि वो नॉर्थ कोरिया को पहुँचा सके और अपनी बेटी की जान बचा सके।
फिर वहीं दूसरी तरफ सोहो कैम रिकॉर्डर देने के बहाने हाना को फिर से हॉस्टल में बुलाने के लिए कहता है, जहाँ चैंग उसे हॉस्टल में वापस भेज देता है। वो बेसमेंट के खुफिया रास्ते से अंदर आ जाती है। वो ब्लैक टाइगर और सोहो को साथ में देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि अब ये दोनों हॉस्टलर्स को बचाने के लिए साथ में इस मिशन पे लगे हुए हैं। वेल तो फिर तीनों मिलके साथ में डिनर करते हैं और ये प्लान भी बनाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, जहाँ हाना ये बताती है कि वो नाम बेल और चैंग सू की उस रिकॉर्डिंग को सारे न्यूज चैनल में सर्कुलेट कर सकते हैं, और अगर उनमें से किसी एक ने भी इस न्यूज को कवर कर लिया फिर उनका काम बन जाएगा और सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। सोहो और ब्लैक टाइगर भी उसके इस प्लान को कंप्लीट करने में उसका साथ देते हैं, जहाँ उस कैसेट की कॉपी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोहो लेता है। और जैसे ही वो कॉपी बनाने जा रहा होता है तो वो योंगरू के रूम में जाकर वहाँ पे कैसेट ढूंढता है, तो उसे वहाँ पर वो वाली कैसेट मिलती है जिसमें योंगरू ने अपना लव कन्फेशन सोहो के लिए किया हुआ था। योंगरू ने उस कैसेट में उन सारे पलों की बात की थी जो कि अब तक सोहो और योंगरू के बीच में हुए थे। साथ ही उसने ये भी कहा था कि उसे पहली नजर में ही सोहो से प्यार हो गया था। योंगरू के दिल की हाल और उसकी बातें जानने के बाद फिर सोहो भी उसके लिए कुछ रिकॉर्ड करता है, और उसने क्या रिकॉर्डिंग की थी ये तो दोस्तों हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर और सोहो नीचे जाके बेसमेंट में एक बार फिर से डॉक्टर कान और जून को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर कान तो थोड़ी थोड़ी कन्विंस लग रही थी, तो ब्लैक टाइगर उसे अपने साथ में ले जाता है, लेकिन जॉन बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। साथ ही वो सोहो से कहता है कि उनके लीडर्स को पहले से ही सोहो पे शक था, और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर सोहो में कोई भी बदलाव दिखे या फिर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो तो जॉन सोहो को शूट करके उसे मार दे, और इसलिए उन्होंने जॉन को उसके पीछे लगाया हुआ था। सब कुछ जानने के बाद ऐसा ऑर्डर देने वाले पर्सन का नाम सोहो जॉन से पूछता है, लेकिन जॉन तो उसे बताने से ही इनकार कर देता है। सोहो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, वो बहुत ज्यादा दुखी भी लग रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसकी कंट्री पहले से ही उस पर यकीन नहीं करती है और उसके पीछे उन्होंने जॉन को लगाया हुआ था। फिर वो कुछ अकेले भी वक्त बिताने के लिए फोर्थ फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ वो सेट खड़ा हुआ था। योंगरू ने भी उसे देख लिया था और वो वहाँ पर एक कॉफी मेकर लेकर आती है, जहाँ वो उसे कॉफी बनाकर देती है। साथ ही वो कहती है कि ये कॉफी मेकर एक मैजिकल है जो कि उसके लिए मैजिकल कॉफी बनाता है, और उसके साथ साथ में वो कॉफी के हर सिप के साथ में वो हर बुरी मेमोरी को मिटाने के लिए सोहो से भी कहती है, क्योंकि जब भी वो दुखी होती है तो वो ऐसा ही करती है। फिर उनके बीच में क्यूट सा मोमेंट स्टार्ट होता है, बहुत प्यारे प्यारे लम्हे चल रहे थे और हर जिप के साथ वो अपनी हर कड़वी याद को मिटा रहे थे जो कि वो याद नहीं करना चाहते हैं। जहाँ फिर कॉफी का एक सिप लेके सोहो योंगरू को एक और मेमोरी मिटाने के लिए कहता है और इसके बाद वो उसे किस करता है। डॉक्टर कान सोहो और ब्लैक टाइगर की काफी ज्यादा समझाने पर थोड़ी सी इंसिस्ट हो जाती है। फिर ब्लैक टाइगर उसे ऊपर ले जाता है, लेकिन उसे फिर भी डाउट हो रहा था कि डॉक्टर कान इतनी जल्दी कैसे मान सकती है। जहाँ सोहो से कहता है कि वो डॉक्टर कान को संभाल लेगा और बाकी की चीजें ब्लैक टाइगर देख ले। फिर जैसे ही डॉक्टर कान को टेस्ट करने के लिए सोहो उनके हाथ खोलता है तो डॉक्टर कान उस पर अटैक कर देती हैं। दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर सोहो जीत जाता है और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ये कहता है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। साथ ही वो कहता है कि जिसके ऑर्डर पे वो सोहो को मारना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि सोहो के फादर ही है। साथ ही वो कहता है कि जो इंसान अपने फायदे के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है तो उसके लिए डॉक्टर कान और बाकी के नॉर्थ कोरियन जासूस बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। ये सब कुछ सोचकर तो भाई डॉक्टर कान भी हक्की बक्की रह जाती है और वो भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने बनाए हुए प्लान को अंजाम देने के लिए जहाँ हाना सभी टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन की ऑफिसेस में वो सारे सबूत रख देती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच की डील क्या है। फिर जब नेक्स्ट डे ब्लैक टाइगर और सोहो टीवी खोलते हैं वो न्यूज देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कोई न्यूज उन्हें दिखती ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो सारे सबूत तो पहले ही चैंग सू ने वहाँ से हटवा दिए थे, क्योंकि किसी खुफिया इंसान ने नॉर्थ के लीडर को पहले ही ये बात बता दी थी कि ब्लैक टाइगर और सोहो ने हाथ मिला लिया है। और फिर ये न्यूज नॉर्थ के लीडर चैंग सू को भी दे देते हैं और चैंग सू वो सारे सबूत वहाँ से हटवा लेता है। फिर सच आने के बाद वो अपनी एजेंट्स को जांग हाना को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। जैसे ही उसके एजेंट उसे अरेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, जांग हाना वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वही हाना तो बहुत ही शातिर लड़की थी।
फिर चैंगसू ब्लैक टाइगर को कॉल करके उसे फोन करता है कि अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो जांग हाना को वो खो देगा। साथ ही नामबेल भी सुह को बताता है कि उसने हॉस्टल के बाहर बॉम्ब प्लानिंग कर रखी है और अगर उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश भी की तो वो पूरे हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देंगे जिससे कि सब के सब मारे जाएंगे। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हॉस्टल में कोई न कोई खुफिया जासूस है जो कि उनकी सारी खबर नॉर्थ को पहुंचा रहा है, जिससे कि नॉर्थ को पता चल गया है कि ब्लैक टाइगर और सुहू ने हाथ मिला लिया है। यहाँ इस फोन कॉल से ये लोग ये तो समझ गए थे कि आज रात को ही चैंगसू अपने एजेंट्स को भेज कर योंगरू को यहाँ से निकलवा लेगा और बाकी उसके बाद में वो बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा जिसमें सब मर जाएंगे, जिसका साफ यही मतलब है दोस्तों कि उनके पास और वक्त ही नहीं था और उन्हें जो भी करना है वो उन्हें आज रात 12 बजे से पहले ही करना है। सुह को यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था और इसलिए उस जासूस को पकड़ने के लिए वो डॉक्टर कांग के साथ साथ अपने दोनों एजेंट को भी इंटरोगेट करता है और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सब लोगों को चर्च रूम में बैठा देता है ताकि वो उस जासूस का पता लगा सके, लेकिन हॉस्टल की कुक यानी की मिस वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर ब्लैक टाइगर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे किचन में ही मिलती है जो कि रॉ चिकन को उठाकर फ्रिज में रख रही होती है। साथ ही वो कहती है कि यहाँ से एक चिकन गायब है, लेकिन ब्लैक टाइगर मिसो की बात को अवॉइड करके उन्हें ले जाकर भी प्रेयर रूम में बैठा देता है। फिर वो सारे गर्ल्स के रूम्स को चेक करता है ताकि वो जासूस का पता लगा सके, जहाँ उन्हें बोजो के रूम में वही पैसे मिलते हैं जो डॉक्टर कान ने उसे दिए थे। जहाँ पर ब्लैक टाइगर को ये डाउट होता है कि हो सकता है कि डॉक्टर कांग बोजो को पैसे देकर सारी इन्फॉर्मेशन उसे बाहर निकलवा रही होगी और फिर वो बोजो और डॉक्टर कान दोनों को आमने सामने बैठाता है, फिर उनसे इंटरोगेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर डॉक्टर कान कहती है कि अगर उसे ये सारी बातें बोजो के जरिए बाहर लीक करवानी ही होती तो डॉक्टर कान के जासूस होने वाली बात भी शायद बाहर लीक हो जाती तो वो ऐसा क्यों ही करेंगी। फिर जहाँ इन सब चीजों के लिए बोजो सुहो को ही ब्लेम करने लग जाती है योंगरू के लिए, उसके इस प्यार की वजह से ही आज ये सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। साथ ही वो कहती है कि जब तुम पेन हाउस वाली पार्टी के दिन चले गए थे तो तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी। ये बात ब्लैक टाइगर को थोड़ी सी अटपटी लगती है। फिर वो सुहो को साइड में लेकर जाता है और उससे कहता है कि जब सुहो हॉस्टल से चला गया था तो उसके दो दिन बाद ही ब्लैक टाइगर ने नॉट भेजे जाने वाले सिग्नल को डिकोड किया था, जिसका साफ मतलब ये है कि सुहो के अलावा भी यहाँ पर कोई जासूस था जो कि नॉर्थ के साथ में कॉन्टेक्ट कर रहा था। फिर अचानक से ब्लैक टाइगर को मिसो की याद आती है जो कि ये कह रही थी कि किचन में से एक चिकन गायब था। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और सुहो और ब्लैक टाइगर जाके सारे चिकन को चेक करने लग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक वॉकी टॉकी मिल जाता है। उसके बाद ब्लैक टाइगर का शक मिस ओ पर जाता है, वो उसे वहाँ पर लेकर आते हैं जिसके साथ में अंकल किम भी थे, जहाँ पर वो उन्हें इंटरोगेट करते हैं और उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। मिसो तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो फिर वहाँ पर अंकल किम ये रिवील करते हैं कि मिसो ने कोरियन के नॉर्थ साउथ वॉर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और मिसो नॉर्थ की हैं। साथ ही वो कहते हैं ये जो शूट आउट चल रहा है, ये जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है और उसकी वजह से मिसो बहुत ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। फिर डॉक्टर कान उसका इलाज करने लग जाती है और उसे काम डाउन करती है, जहाँ सुहू उनसे कहता है कि इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब लेडी क्या नॉर्थ की जासूस हो सकती है। डॉक्टर कान कहती है कि ऐसे लोगों पे किसी का शक भी नहीं जाता है क्योंकि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो कोई भी इन पर शक नहीं कर सकता है और हो सकता है कि शायद यही जासूस हो। सीन शिफ्ट होता है और हम ये देख पाते हैं कि ब्लैक टाइगर और सुहो के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स के खिलाफ प्लान बनाते हैं कि वो उनसे लड़ के सारे हॉस्टल्स को कैसे बचा लेंगे। वहाँ पर योंगरू आ जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अपने डैड से बात करना चाहती है। योंगरू अपने डैड यानी कि चैंगसू से मिलकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना चाहती थी जिससे कि वो सारे हॉस्टल्स को छोड़ दें और उन्हें ना मारें। तो अब इनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था और इसलिए सुहो को योंगरू की बात माननी पड़ती है और वो चैंगसू को कॉल करके उसे हॉस्टल के बेसमेंट वाले हट पे बुलाता है ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। साथ ही वो कहता है कि वो वहाँ पर अकेला आए और अपने साथ किसी भी एजेंट या पुलिस को ना लेकर आए। फिर सुहो के पास सुनके चैंगसू भी अपनी बेटी से वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच जाता है। नामबेल को सब कुछ पता चल जाता है कि चैंगसू अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है और इसलिए वो कुछ अलग ही प्लान बनाने लग जाता है। लेकिन चैंगसू ने वहाँ पर अलग ही प्लान बना के रखे थे, उसने अपनी एजेंट्स को वहाँ छुपा के रखा था और साथ ही कहा था कि जैसे ही वो योंगरू बोले यानी कि ये उनका कोड वर्ड था तो वो सब मिलकर सुहो को शूट कर दें और वो अपनी बेटी को बचाकर फिर वहाँ से ले जाएगा।
ये चैंगसू का प्लान था। फिर जैसे ही योंगरो उसे बाहर मिलने के लिए आती है, सुहो उसे छोड़ता है और वो पीछे से गन लेकर उसे गन पॉइंट करके ही खड़ा होता है, जहाँ पर योंगरो रिक्वेस्ट करने लग जाती है अपने फादर से कि वो सबको छोड़ दे। साथ ही वो उनसे पूछती है कि क्या वो सबको मारने वाले हैं, तो चैंगसू उसे कहता है कि वो उसे बचा लेगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन योंगरो वहाँ बहुत ज्यादा रो रही होती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। फिर जैसे ही चैंगसू उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वो कोड वर्ड यानी कि योंगरो का नाम यूज करता है, तो तुरंत वहाँ पर गोलियां चलने लग जाती है, जहाँ योंगरो अपना हाथ छुड़ाकर शील्ड बनकर सुहो के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उसे कोई गोली ना लगे। लेकिन सुहो योंगरो को बचाकर अंदर ले जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। ये सब कुछ देखकर चैंगसू उन सारे स्नाइपर्स को रोकने की कोशिश करता है। वहीं सुहो भी योंगरो को बचाकर अंदर ले जाता है और गेट बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही चैंगसू सबको रोक रहा होता है, अपनी स्नाइपर्स को नीचे गन करने के लिए कहता है, तभी एक गोली आकर उसे लग जाती है और चैंगसू वहीं पर गिर जाता है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और ये पता चलता है कि चैंगसू को लगने वाली गोली किसी और ने नहीं बल्कि नामबेल ने ही लगवाई थी। उसने वहाँ पर अपने एजेंट को पहले से ही तैनात करके रखा हुआ था और इस सिचुएशन का उसने भरपूर फायदा उठाया। वो चैंगसू को अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेना चाहता था और इसलिए उसने उस पर गोली चलवा दी, क्योंकि ये उसके पास सबसे अच्छा मौका जो था, क्योंकि इसका ब्लेम वो बहुत ही आसानी से नॉर्थ कोरियन स्पाइस पे डाल सकता था। यहाँ पर इन सब साजिशों में नामदेल का साथ चैंगसू का सेक्रेटरी दे रहा था। लेकिन फिर पुलिस चीफ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो चैंगसू को वहाँ से उठवाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर तो नामबेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ योंगरो अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, जहाँ सुहो उसे संभालता है और उसे समझा रहा होता है। चैंगसू को गोली लग गई है और वो घायल हो गया है, ये सब कुछ जानकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो नामबेल को कॉल करके सारे स्पाइस को तुरंत ही खत्म करने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर तो नामबेल का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो रहा था। वो यही चाहता था कि सारा ब्लेम स्पाइस के ऊपर आ जाए और ऐसा ही हो रहा था। नॉर्थ के जासूसों पर उसने बहुत ही अच्छे से चैंगसू को मरवाने का इल्जाम लगवा दिया था। फिर नामबेल अपनी टीम के साथ हॉस्टल पर अटैक करने की प्लानिंग करने लग जाता है और पुलिस चीफ मीडिया के सामने ये बयान दे देता है कि सुहो ने चैंगसू पर गोलियां चलवा दी हैं, जिससे कि उनकी जान अभी खतरे में है और वो सेफ नहीं है। साथ ही वो कहता है कि सुहो और नॉर्थ कोरियन स्पाइस की इस हरकत के लिए वो लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी न्यूज हॉस्टल में बैठे सुहो, डॉक्टर कान, वार्डन और ब्लैक टाइगर भी सुन रहे थे, जहां वो लोग ये बात समझ जाते हैं कि साउथ कोरियन सोल्जर्स आज ही रात को यहां पर अटैक करने वाले हैं और बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, जिसमें सारे हॉस्टल्स को मारकर वो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को ही ब्लेम करेंगे और सारा इल्जाम उन पर ही डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ जांग हाना रिपोर्ट निकालकर ब्लैक टाइगर को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि चैंगसू की हालत अभी खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी होश नहीं आया है। ये सब कुछ जाने के बाद डॉक्टर कान कहती है कि नामबेल शांत रहने वाला नहीं है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा और चैंगसू भी अभी नहीं है, जिसका वो अच्छे से फायदा उठाएगा, क्योंकि यही उसके पास एक अच्छा मौका है। वहीं दूसरी तरफ योंगरो को पता चल जाता है कि उसके डैड को गोली लगी है और उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है, वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन यही इन सब के बीच में साउथ अथॉरिटी हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद कर देती हैं, क्योंकि वो लोग हॉस्टल पर अटैक जो करने वाले थे। सारी गर्ल्स जाकर एक रूम में बैठ जाती हैं। नामबेल भी अपने एजेंट्स के साथ में हॉस्टल में एंट्री करता है, क्योंकि वो अटैक करने वाला था। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, तो सुहो डॉक्टर कान पे डायनामाइट बांधकर उन्हें बाहर ले आता है और वो नामबेल को कहता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उसके साथ साथ सबको ब्लास्ट कर देगा। फिर जहाँ अपनी बिलव्ड गर्लफ्रेंड यानी डॉक्टर कान को बचाने के लिए नामबेल को ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला प्लान ड्रॉप करना पड़ जाता है और वो डॉक्टर कान से कहता है कि वो जल्द ही उन्हें बचा लेगा और अपने एजेंट्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे कि दोस्तों कुछ टाइम के लिए तो इन सब की जान बच जाती है। डॉक्टर कान कहती है कि इन सबको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नॉर्थ और साउथ के बीच में हुई उस डील के पैसों को रोक लेना, क्योंकि ये सब कुछ उन पैसों की वजह से ही हो रहा है। यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में हुई इस डील के $300 मिलियन को इन्हें अपने कब्जे में करना होगा। वो कहती है कि नामदेल को वो बहुत ही अच्छे से जानती है, सारा पैसा कहाँ है और किस तरह से वो पैसे को निकाल सकती है, वो सब कुछ उसे अच्छे से पता है, क्योंकि वो नामबेल की रग रग से वाकिफ है और वो बहुत सालों से उसके साथ में ही रह रही है। साथ ही वो न्यू प्लानिंग हेड यानी कि पुलिस चीफ की वाइफ को बहुत अच्छे से जानती है और वो उनसे आसानी से पैसा भी निकलवा सकती है। लेकिन ब्लैक टाइगर को डाउट होता है कि कहीं
डॉक्टर कान सारा पैसा लेकर भाग गए तो, और इसलिए वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन सोहू यहाँ पर कहता है कि अगर उन्हें ऐसा करना ही होता तो वो नामबेल को पहले ही बता देती कि उस रिमोट कंट्रोल में बैटरी ही नहीं थी और ये सब कुछ नकली है, ये सारा हमारा प्लान है। लेकिन डॉक्टर कान ने ऐसा नहीं किया, जिसका साफ मतलब है कि हम उस पर यकीन यानी भरोसा कर सकते हैं और हमारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और फिर इसलिए ब्लैक टाइगर भी मान जाता है। लेकिन डॉक्टर कान के यहाँ से निकलते ही तो नामबेल हॉस्टल को ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही अब तक चुप बैठा हुआ था और उसने हॉस्टल को अभी तक ब्लास्ट नहीं किया था। फिर यहाँ पर ब्लैक टाइगर अपना बहुत दिमाग लगाता है और वो चांग हानक को ये ऑर्डर देता है कि वो हॉस्पिटल में जाके चांगसू की वाइफ को ये बता दे कि असली कल्प्रेट कौन है और किसने चांगसू पर गोली चलवाई है, ताकि चांगसू की वाइफ अपनी बेटी यंगरू को बचाने के लिए हॉस्टल में हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सके। जहाँ हाना सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैसा ही करती है और वो उन्हें जाके सब कुछ बता देती है। चांगसू की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो फटाफट से वहाँ से निकल कर उस कैंप में आती है जहाँ पर नामदेल और उसकी वाइफ पहले से ही मौजूद थे और ये क्राइम सीन था। वहाँ पर आकर वो नामदेल को वार्न करती है और उसे धमकी देती है कि वो नामदेल के सारे कारनामों के बारे में प्रेसिडेंट को बता देगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी टाइम पे डॉक्टर कान नामदेल को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि उसने बहुत ही चालाकी से उन सारे जासूस को नींद की दवा देकर सुला दिया है, और वो चाहती है कि नामबेल उसे जल्द से जल्द हॉस्टल से बाहर निकाले, और वो उससे मदद मांगती है। फिर नामबेल भी बिना देरी किए डॉक्टर कान को वॉशरूम के रास्ते से अपने एजेंट्स को भेजकर निकलवा लेता है और वो बिल्कुल सेफ होती हैं। सोहू को डॉक्टर कान पे भरोसा था, लेकिन स्टिल ब्लैक टाइगर को उस पे भरोसा नहीं था, और इसलिए वो चांग हाला को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि डॉक्टर कान में एक साउथ कोरियन एजेंट है जो कि डील का पैसा यानी उन $300 मिलियन को चोरी करने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल गई है। साथ ही वो हाना को ये इंस्ट्रक्शन भी देता है कि वो डॉक्टर कान पे नजर रखे, और जैसे ही अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करे या फिर उन्हें धोखा देने की कोशिश करे और हॉस्टल वापस ना आए तो वो उन्हें अरेस्ट कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं दोस्तों कि चांगसू की वाइफ नामबेल को धमकी देने के बाद हॉस्पिटल में आती है, और हॉस्पिटल में आते ही वो चांगसू के मुंह पर लगा हुआ मास्क हटा देती है। एंड गाइस यहां पर ये रिवील होता है कि चांगसू तो अभी भी जिंदा है, वो कोमा में नहीं गया है और वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ उसकी वाइफ बाहर हुए सारे हालातों के बारे में उसे बता रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर और चांगहाना की सारी बातें सुहो ने सुन ली थी, क्योंकि ब्लैक टाइगर चाहता था कि इस हॉस्टल सिचुएशन के बाद वो सुहो और बाकी सारे एजेंट्स को अपनी अरेस्ट में ले ले। लेकिन सुहो को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि क्या सारे साउथ कोरियन ऐसे ही पीठ पीछे वार करते हैं। जहाँ ब्लैक टाइगर कहता है कि तुम ऑलरेडी साउथ में गद्दार साबित हो चुके हो, तो यहाँ से बच के बाहर जाना तुम्हारे लिए जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन सोहो कहता है कि मुझे यहाँ से नॉर्थ जाना ही होगा, वरना नॉर्थ वाले मेरी बहन को मार देंगे और उसकी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर ब्लैक टाइगर सोहो को शांत करवाता है और कहता है कि अगर हम ही आपस में लड़ते रहे तो हम हॉस्टलर्स को नहीं बचा पाएंगे और ये हॉस्टल जल्द ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। साथ ही वो कहता है कि उसे डॉक्टर कान पे भरोसा नहीं है और इसलिए उसने चांगहाना को उसके पीछे लगवाया है। लेकिन सोहो उसे सहमत नहीं था, क्योंकि अगर डॉक्टर कान को उन्हें धोखा देना ही होता तो वो नामबेल के साथ में मिलके हॉस्टल को बॉम्ब से उड़वा देती, वो ऐसे पैसे लेकर वापस आने का वादा ही नहीं करती। साथ ही वो ब्लैक टाइगर को वो पेज दिखाता है जिसमें नॉर्थ कोरिया के सिग्नल्स को डिकोड करके ये लिखा हुआ था कि सारे स्पाइस के साथ साथ पूरे हॉस्टल को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दो, वरना तुम्हारी बहन को यहाँ मार दिया जाएगा नॉर्थ कोरिया में। ये सब जानकर तो ब्लैक टाइगर भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिलहाल के लिए वो भी शांत हो जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर कान को देखते हैं जो कि एक फॉरनर के साथ में मिलकर पुलिस चीफ की वाइफ को उल्लू बनाने का काम कर रही थी, क्योंकि आखिरकार सारे पैसे उसके पास में जो थे, जहां वो उन $300 मिलियन को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की स्कीम फॉरनर के द्वारा उस पुलिस चीफ की वाइफ को समझा देती है, और लालच में आके वो ऐसा ही करती है और सारे पैसे डॉक्टर कान के फेक बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सारी प्लानिंग में डॉक्टर कान को पता चल जाता है कि चांगहाना उसका पीछा कर रही है और वो उस पर नजर रखे हुए है, तो इसलिए वो ब्लैक टाइगर को वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो ये उन सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ नामबेल ने चांगसू को मरवाने की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि अगर उसे होश आ जाता तो वो बता देता कि उसको मारने की कोशिश किसने की है, और इसलिए चांगसू उसके लिए खतरा बन जाता, तो इसलिए वो चांगसू के सेक्रेटरी को इसे मारने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो ये न्यूज सुन पाता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि चांगसू की हालत बहुत खराब है। चाह वो नामबेल को कॉल करता है और ये सारी सिचुएशन उसे बताता है, तो नामबेल उसे कहता है कि उसे मारने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि शायद वो खुद ब खुद ही मर जाएगा।
वहीं डॉक्टर कान का मिशन भी अब कंप्लीट हो गया था क्योंकि उसने नॉर्थ कोरिया के सारे फंड्स पे कब्जा जो कर लिया था। फिर वो सुह को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो सारा फंड उसके पास में है और आज रात को ही वो हॉस्टल में एंट्री कर लेगी, यानी कि डॉक्टर कान हॉस्टल में वापस जाने वाली है। जब ब्लैक टाइगर वॉकी टॉकी की बैटरी को चार्ज करने के लिए वार्डन से मिलता है तो वो वार्डन से बात कर रहा होता है, जहां बोसो भी उनकी बातें सुन लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि डॉक्टर कान हॉस्टल से बाहर गई है और वह जो कि सारा पैसा लेकर वापस आने वाली है। ये बात वो वॉकी टॉकी के जरिए उस पुलिस चीफ को बता देती है, जहां पुलिस चीफ को पता चल जाता है कि भाई नाम्बियल की गर्लफ्रेंड तो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। डॉक्टर कान सारा पैसा लेकर होटल से निकल ही रही होती है, लेकिन तभी पुलिस चीफ वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि वो उसको पकड़ने के लिए गए थे। और जांग हानान ने भी डॉक्टर पर नजर रखी हुई थी, तो वो समझ जाती है कि वो लोग डॉक्टर कान को ही पकड़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं और शायद उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो वो फटाफट से कॉल करके डॉक्टर कान को इन्फॉर्म करती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। वहीं पुलिस चीफ को डॉक्टर कान का वो सीक्रेट रूम मिल जाता है, जहां पर वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किया करती थी, और वहां से उसे डॉक्टर कान और नाम मिल की कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलती हैं, जिसे वो ऐसा सबूत अपने पास में रख लेता है। फिर जैसे ही डॉक्टर कान नीचे भाग कर आती है तो जांग हाना उसे अपनी जीप में बैठा कर ले जाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। लेकिन भाई डॉक्टर कान को तो उस पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जांग हाना तो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए, और इसलिए वो उसे वहाँ बेहोश करके भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में बोसो की बातें सिक्योरिटी गार्ड यानी अंकल किम का बेटा सुन लेता है, जिसे पता चल जाता है कि योंगर कोई और नहीं बल्कि एनएसपी डायरेक्टर की बेटी है। ये बात जाकर वो सबको बता देता है और सब लोग योंगर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ उसकी रूममेट उसी को कोसने लग जाती है कि उसके चक्कर में ये सब हुआ और वो कितनी बड़ी झूठी है, उसने हमेशा से ही उन लोगों से ये सच छुपा के रखा है। सब लोगों से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ देख कर योंगर बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती है। सोहू उसके पास आता है और वो उससे गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन सोहू उसे संभाल लेता है, जहाँ फिर से एक प्यारा सा मोमेंट उन दोनों के बीच में क्रिएट होता है, जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। वहीं अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि डॉक्टर कान से मिलने के लिए नाम्बिल उसके रूम पे आता है, लेकिन वहाँ तो उसे शॉक लग जाता है क्योंकि पुलिस चीफ अपने एजेंट्स के साथ में वहाँ पर था। वो उसे मारता है और वो खुफिया रूम दिखाता है, जहाँ पर डॉक्टर कान ने सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है। नाम्बिल तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, उसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ चांग हाना ने ब्लैक टाइगर को बता दिया था कि डॉक्टर कान उसे बेहोश करके भाग गई है, और इसलिए वो लोग उस पर शक करने लग जाते हैं। सोहू के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो जॉन के पास जाकर ये रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो सीक्रेट कोड से ये मैसेज भेज दे नॉर्थ वालों को कि उनके $300 मिलियन सोहू के पास में है और अगर उन्होंने उसकी बहन को कुछ किया तो वो सारे पैसे खो देंगे। जॉन पहले तो उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि जॉन को लग रहा था कि वो एक लीडर का बेटा होते हुए भी नॉर्थ के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर सोहू उसे अपनी असली सच्चाई बताता है कि वो उसका रियल फादर नहीं है और वो बस उसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर जॉन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर जैसे ही नॉर्थ को सिग्नल मिलते हैं तो जोइस और रिया सोहू के फादर पे गुस्सा करने लग जाती है कि उसके बेटे की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और वो अपने पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ चांगसू की वाइफ चांग हाना से कांटेक्ट करके उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में बुलाती है, और जैसे ही हाना अंदर आती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वही चांगसू तो होश में है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी हालत में काफी ज्यादा सुधार है। फिर चांगसू उसे मदद मांगता है कि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है, वो उसे हॉस्टल से बाहर निकालना चाहता है और वो सारे हॉस्टल्स को भी बचा लेगा। हाना का भी यही मिशन था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसकी बात ब्लैक टाइगर से करवाती है, जहाँ चांगसू सोहू और ब्लैक टाइगर से बात करता है। वो उनसे कहता है कि वो सारे स्पाइस को सेफली बाहर निकाल के उन्हें नॉर्थ तक जाने के लिए एक कार का बंदोबस्त करवा देगा, बस उसे उसकी बेटी को छोड़ना होगा। लेकिन भाई योंगर को तो यही गिल्ट था कि उसके चक्कर में उसके दोस्तों की जान खतरे में है, और सबको सच पता चल चुका था कि योंगरी एनएसपी डायरेक्टर की बेटी है और इसलिए वो चाहती थी कि वो सबकी जान को बचा ले। तो यहाँ वो अपने डैड से कहती है कि जिस गाड़ी में सोहू जाएगा वो भी उस गाड़ी में तब तक बैठी रहेगी जब तक सारे हॉस्टल सेफली बाहर नहीं निकल जाते, क्योंकि सोहू और ब्लैक टाइगर को चांगसू पर और उसकी हरकतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो पहले भी उन्हें बहुत बार धोखा दे चुके थे। फिर जब योंगरू ये डील अपने फादर के साथ में करती है तब जाकर ब्लैक टाइगर को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन सोहू तो अभी भी चाहता था कि योंगरू बिल्कुल सेफ हो और उसे कोई भी दिक्कत ना हो। चांगसू को भी अपनी बेटी की ये जिद माननी पड़ जाती है और वो हामी भर देता है।
फिर चांगसू के पास प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि उसे कॉल करके ये कहता है कि वो जानता है कि चांगसू की बेटी हॉस्टल में है, लेकिन उसे ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वॉर में कोई भी अपनी फैमिली को नहीं देखता है। वॉर तो वॉर होता है जिसमें लोग अपनी फैमिली की कुर्बानी भी दे देते हैं, और अगर वो पावर में रहना चाहता है और अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे ये कुर्बानी देनी होगी। साथ ही जितना जल्दी हो सके इस हॉस्टल सिचुएशन को उसे खत्म करना होगा। प्रेसिडेंट की बातें सुनने के बाद चांगसू किसी को कॉल करके ये ऑर्डर देता है कि हॉस्टल को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाए। चांगसू ने किसी को कॉल करके ये कहा था कि हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा दो, लेकिन उससे पहले उसने ये बोला था कि कुछ भी करके उनकी बेटी योंगरू को पहले बाहर निकाल लेना, फिर वो खुद हॉस्टल में आएगा और बॉम्ब के रिमोट को खुद प्रेस करेगा जिससे कि वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वही दूसरी तरफ जब पुलिस चीफ नामदेल के साथ में बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है उसकी वाइफ से कि फंड के सारे पैसे फॉरनर लेकर भाग गई है। जब जोई सूर्यांग को ये पता चलता है कि सारा पैसा यानी 300 मिलियन डॉलर डॉक्टर कान के पास है और वो उन्हें लेकर भाग रही है, तो वो जॉन से कॉन्टेक्ट करती है और वो उसे सुगो को मारने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी फैमिली की सेफ्टी की गारंटी लेती है, और जॉन तो चाहता ही था कि वो अपनी माँ को बचा सके। वही डॉक्टर कान भी अपने खुफिया ठिकाने पर जाकर अपना पासपोर्ट और गन वहाँ से निकाल रही होती, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे शूट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि डॉक्टर कान अपना सर ऊपर उठाती है तो कोई उसे शूट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और बोसो को दिखाया जाता है जो कि वार्डन के साथ में मिलकर कुछ बात कर रही थी। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वार्डन बोसो की बड़ी बहन की दोस्त थी जिसके ऊपर नॉर्थ कोरिया का जासूस होने का इल्जाम लगा था और उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर असली सच्चाई तो वार्डन बोसो को बताती है कि उसकी बहन नॉर्थ कोरिया की जासूस नहीं थी, उससे तो बस फंसाया गया था और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस चीफ ने ही किया था। वहीं फिर योंगरू भी विंडो से झांककर बाहर देख रही थी कि उसके फादर ने जो वादा किया था यानी कि मीडिया और हॉस्टल्स के पेरेंट्स को बाहर भेजने का, वो उन्होंने पूरा किया है या नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उसे बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर सुहो वहां पर आता है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन वहाँ पर गन लेकर आ जाता है। वो गन पॉइंट करके सोहू को बस मारने ही वाला था। सोहू उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या लगता है जिस नॉर्थ कोरियन पार्टी ने हमें यहाँ मारने के लिए छोड़ दिया है, ऐसे ही क्या वो हमारी फैमिली की रक्षा कर पाएंगे। वो उससे बातें कर ही रहा होता है लेकिन जॉन उसकी बातों में नहीं आता। वो उसे शूट करने वाला था लेकिन तभी पीछे से कोई जॉन को शूट कर देता है। एंड गाइस यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कान ही होती है जो कि सारा पैसा लेकर वापस आ गई थी। और यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि डॉक्टर कान सुहो से प्यार करती है और इसलिए ही इतना बड़ा खतरा मोड़ लेकर हॉस्टल में वापस आई है वो। फिर वहीं दूसरी तरफ कैंप में नामदेल बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाने ही लगता है, लेकिन तभी चांगसू वहां पर आ जाता है जिसे देखकर तो भाई नामदेल के छक्के छूट जाते हैं क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि चांगसू बस अब मरने ही वाला है, लेकिन यहां पे तो उसका खेल पूरी तरह से पलट ही जाता है। चांगसू को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और फिर वो लोग उसे अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर चांगसू नामदेल को अरेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी डॉक्टर कान वो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई थी, जहाँ नामदेल कहता है कि इसका क्या सबूत है उनके पास। फिर हाना उसे डॉक्टर कान और नामदेल की कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स दिखाती है जिन्हें देखकर तो भाई नामदेल की वाइफ भी पूरी तरह से बौखला जाती है और वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। फिर नामदेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में डॉक्टर कान जॉन को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि चोई सूर्यांग उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। ये नाम सुनकर तो सुहो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि चोई सूर्यांग ही उसे मारना चाहती है। एंड गाइस यहां पर ये रिवील होता है कि चोई सूर्यांग कोई और नहीं बल्कि सुहो की मॉम है जिसने उसे और उसकी बहन को बचपन में छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में हायर पोजीशन पाने के लिए। सच जानने के बाद सुहो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो बहुत सैड हो गया था। वो स्टेयर्स पे जाके बैठा हुआ था जहाँ पे डॉक्टर कान आके उससे बात करती है और गाइस उनकी बातें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम छुपकर सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोहो के सो कॉल डैड चोई सूर्यांग से कह रहे थे कि अगर वो उनकी पोजीशन नहीं छीनेगी तो वो अपने खुफिया जासूस से कह के जो कि हॉस्टल में ही छुपा हुआ है वो उसे कह के सोहो की जान को बचा लेंगे, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो सोहो को मरने के लिए ही छोड़ देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चोई सूर्यांग ने तो बचपन में ही अपने बेटे को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब भी वो उसे मारना ही चाहती है। वो सिर्फ अपनी पोजीशन पाना चाहती थी और क्योंकि अभी सुहो सबकी नजरों में नॉर्थ सेक्रेटरी का बेटा है, साथ ही मिशन फेल होने का कारण भी वही है, तो इसलिए नॉर्थ सेक्रेटरी को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और इससे अच्छा चांस तो चोई सूर्यांग के लिए हो ही नहीं सकता।
जहाँ फिर वो सारा ब्लेम सो कॉल्ड सुहो के डैड पर ही डाल देती है और उन्हें अरेस्ट करवा देती है और उनकी पोजीशन उसे मिल जाती है। वहीं फिर दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर चैंगसू से बात करता है, उसे कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ पे चैंगसू उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा ऑर्डर दिया है कि हॉस्टल को उड़ा दिया जाए और इसलिए वो मीडिया और हॉस्टलर्स के पेरेंट्स को वहाँ पर नहीं भेज सकता। साथ ही चैंगसू सुहो को भी कहता है कि उसने कार का बंदोबस्त बाहर कर दिया है तो वो हॉस्टल से बाहर आकर सेफली अपने नॉर्थ कोरियन स्पाइस के साथ यहाँ से चला जाए और बाकी हॉस्टल की चिंता ना करे क्योंकि उसे चैंगसू संभाल लेगा। लेकिन सुहो को फिर भी शक हो रहा था, उसे उस पर यकीन नहीं था कि वो हॉस्टल को बिना ब्लास्ट किए छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि रूलिंग पार्टी के लिए हॉस्टल का ब्लास्ट होना बहुत जरूरी था जिससे कि वो इलेक्शन में जीत सकते थे। और ये बात सुहो भी बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि ऑब्वियसली ब्लास्ट का सारा ब्लेम तो नॉर्थ कोरियन स्पाई पर ही आने वाला था। फिर वहीं दूसरी तरफ जब स्टूडेंट हेड अपनी बुक ढूंढने के लिए प्रेयर रूम में जाती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम नॉर्थ से आए हुए कुछ सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ वो फोन पे ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर कान को यहाँ से ले जाना और बाकी सारे स्पाइस को यानी सुहो के साथ में सबको मार डालना। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि नॉर्थ का वो खुफिया जासूस कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम ही हैं जो कि सालों से यहाँ पर इस हॉस्टल में छुपकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सुहो को अश्योर करता है कि उसके जाने के बाद वो सारे हॉस्टलर्स का अच्छे से ख्याल रखेगा क्योंकि यहाँ इन सब की जान बचाने की जिम्मेदारी ब्लैक टाइगर की है, सुहो को नहीं, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि वो जाकर अपनी बहन को बचा सके। जहाँ ब्लैक टाइगर की बात सुनने के बाद सुहो भी अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो एक बार योंगरू से जाकर मिलता है जहाँ जाकर वो उसे कहता है कि वो लोग बस 10 मिनट में निकलने वाले हैं और शायद वो अब वापस कभी नहीं मिल सकते। योंगरू वहाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुहो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन को जाकर जो बचाना था। वहीं दूसरी तरफ अंकल किम भी पूरी तैयारी के साथ वहां से निकल गए थे जहां भागते हुए स्टूडेंट हेड आती है और वो ब्लैक टाइगर वार्डन और योंगरू को जाकर ये बता देती है कि अंकल किम भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और वो सुहो और उसके बाकी टीम को मारने वाले हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद योंगरू भागते हुए सुहो को बचाने के लिए जाती है, वो बेसमेंट के रास्ते में जाती है, लेकिन सुहो तो वॉशरूम के रास्ते अपने साथियों के साथ में निकल रहा था। वो उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है लेकिन डॉक्टर कानून से कहती है कि हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अंकल किम को भागते हुए उनके बेटे ने भी देख लिया था और वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाता है। योंगरू बस बाहर निकलने ही वाली थी लेकिन तभी ब्लैक टाइगर आकर उसे रोक लेता है और उसे ये समझाता है कि सुहो बिल्कुल सेफ रहेगा क्योंकि उसके पास $300 मिलियन है। सारे स्पाइस अपनी जीप से बाहर निकल चुके थे, वो सेफली वहां से जा रहे थे कि तभी चैंगसू अपनी सिक्योरिटी को डाइट करने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि सिटी के हर चेक पॉइंट पे नजर रखी जाए और जो भी नॉर्थ कोरियन स्पाई मिले तो उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाए। वहीं अंकल किम का बेटा भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर जा ही रहा होता है कि तभी अंकल किम गाड़ी को बीच में रोककर उसको गन पॉइंट करके बाहर निकालकर फेंक देते हैं और गाड़ी से आगे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहो अपने साथियों के साथ जब जा रहा था तो रास्ते में सिक्योरिटी गाड़ी रोककर सारे नॉर्थ कोरियंस को चेक कर रही थी। फिर डॉक्टर कानर सुहो पैदल आने का फैसला करते हैं और जॉन और उसके साथी को साथ में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि सुहो और डॉक्टर कान वांटेड लिस्ट में थे और सब लोग उन्हें जानते थे लेकिन जॉन और उसके चौथे साथी को कोई भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ जांग हाने के साथ में रिपोर्टर गाल ये अनाउंसमेंट कर देता है कि हॉस्टल सिचुएशन एक इलेक्शन स्कीम है, ये सब कुछ रूलिंग पार्टी कर रही है और हॉस्टल इसकी जान वो लेना चाहते हैं। ये सब को सुनने के बाद तो सारे हॉस्टल बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन ब्लैक टाइगर उन सब को संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और उसका साथी बोट का इंतजार कर रहे थे जो कि उन्हें नॉर्थ कोरिया लेकर जाने वाली थी लेकिन उन दोनों को ही वहाँ पे शूट करके कोई मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि अंकल किम ही होते हैं। वही नामबेल की बहुत ज्यादा धुलाई हो रही होती है कि तभी उसको प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी पोजीशन वापस ले लो और हॉस्टल को उड़ा दो क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चैंगसू अपनी बेटी के चक्कर में हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाने वाला जिससे कि उनकी इलेक्शन स्कीम सबके सामने आ जाएगी क्योंकि सारे हॉस्टलर्स बाहर जाकर सच बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कान और सुहो सुबह होते ही उस बोट वाले एरिया पे पहुंच जाते हैं लेकिन वहां उनको भी ये न्यूज मिल जाती है कि हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और अब सारी सिचुएशन नामबेल के हाथ में आ गई है और चैंगसू को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। जहाँ सुहो भी समझ जाता है कि योंगरू की जान खतरे में है क्योंकि अब नामबेल आ गया है तो फिर वो तो ब्लास्ट करवा कर ही रहेगा।
जहाँ वो डॉक्टर कान से कहता ही है कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन डॉक्टर कान उसे कहती है कि अगर तुम अब वापस गए तो जिंदा बच के वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल किम आ जाते हैं, दोनों को गन पॉइंट कर लेते हैं और सोहो तो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि अंकल किम भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। वो डॉक्टर कान का गाड़ी में बैठा कर सोहो का शूट करने ही वाले थे। फिर सोहो यहाँ पर अंकल किम को समझाता है कि आपने ये सब कुछ करके अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया है, बल्कि आपका तो बेटा भी नहीं जानता है कि आप एक नॉर्थ कोरियन स्पाई हैं। यहाँ वो ये भी कहता है कि उसे इन सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे वो बस योंगरू की जान को बचाना चाहता है, क्योंकि नाम मिल बहुत ही जल्द हॉस्टल को ब्लास्ट करने वाला है। ये सब कुछ सुनने के बाद अंकल किम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी योंगरू के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। जहाँ पर उनका दूसरा साथी सुहो को शूट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता, लेकिन तभी अंकल किम उसको शूट कर देते हैं और उसकी गोली भी उनको लग जाती है और वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर हमें अंकल किम के फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि उनके नॉर्थ कोरियन स्पाई होने वाली बात हॉस्टल की पहली वाली वार्डन को पता चल गई थी और इसलिए उन्होंने उसे मार दिया था, और ये रूमर्स फैला दिए थे कि उनकी पहली वार्डन ने सुसाइड कर लिया है। फिर सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है और डॉक्टर कान सोहो के पास आकर उसे बात करती है। सोहो उनसे कहता है कि पार्टी ने हमारे सारे साथियों को मरवा दिया है, जहां पर डॉक्टर कान भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे थे। तो अब नाम तेल से बचने का सोहो के पास अब एक ही ऑप्शन था कि वो उस 300 मिलियन वाले सर्टिफिकेट का यूज करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो डॉक्टर कान को कहता है कि इन पैसों का इस्तेमाल वो सोहो की बहन और जॉन की फैमिली की सुरक्षा के लिए करे और उन्हें एक अच्छी जगह पर ले जाकर उनकी जिंदगी को संवार दे। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में ब्लैक टाइगर वार्डन और योंगरू के साथ में मिलकर प्लान बनाता है कि उन्हें नामबेल और उसके सोल्जर्स को गुमराह करना है कि सारे स्टूडेंट छत पर हैं, ताकि वो वहां जाकर उन्हें शूट करने की कोशिश करें। लेकिन फिर इस सब का फायदा उठाकर वो लोग बेसमेंट के रास्ते से नीचे सुरक्षित निकल जाएंगे, जहाँ पर उनकी मदद बोसो करती है, क्योंकि वो पुलिस चीफ को ये सारी जानकारी दे देती है। फिर ब्लैक टाइगर सारे हॉस्टलर्स को लेकर नीचे जाने लग जाता है बेसमेंट के रास्ते पे, और वहीं बाहर की तरफ सुहो भी आ जाता है जो कि बचे हुए सोल्जर्स को मारकर, जैसे ही वो हट में एंटर करता है वो देखता है कि सब वहाँ पर थे लेकिन योंगरू नहीं थी। क्योंकि दरअसल हुआ ये था कि जब सब लोग भाग रहे थे तो उस टाइम पे मिस सो का पैर गलती से बम वायर पे लग गया था, जिससे कि वो ब्लास्ट हो गया था, और उन्हें बचाने के लिए योंगरू और वार्डन भी वहाँ पर गए थे। वहीं दूसरी तरफ जांग हाना एक बस लेकर वहाँ बेसमेंट के रास्ते में आ जाती है, सारे हॉस्टलर्स को निकाल कर वो उनको बैठा के वहाँ से चली जाती है। वो अपने प्यार यानी कि ब्लैक टाइगर को भी साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्लैक टाइगर कहता है कि अभी कुछ लोग अंदर ही फंसे हुए हैं और जब तक सब लोग सेफली यहाँ से नहीं निकल जाते वो यहाँ से नहीं जा सकता, और वो ये कह के वापस अंदर चला जाता है। वहीं सुहो भी योंगरू को ढूंढता हुआ ऊपर जाता है, जब वो देखता है कि वो लोग मिस सो को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो सुहो वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करने लगता है, जहाँ योंगरू तो भी सुहो को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं था कि सुहो वापस आ सकता है। बट सच्चा प्यार तो आखिर सच्चा प्यार ही होता है, चाहे उसके लिए दो प्यार करने वालों को मौत से ही क्यों ना लड़ना पड़े, और ये बात तो सुहो ने यहाँ पे साबित कर ही दी थी। वेल, तो वो उनको वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी सोल्जर्स आगे से आकर उन पर हमला कर देते हैं, और ब्लैक टाइगर भी आकर उन सबको बचा कर नीचे ले आता है, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स थे और वो सब उन पे लगातार अटैक करते जा रहे थे, और इसलिए पहले तो ब्लैक टाइगर सोहो को कहता है कि बाहर मेरी जीप है और तुम योंगरू को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन फिर सोहो ब्लैक टाइगर से कहता है कि सबको बचाने के लिए तुम्हारा बचना ज्यादा जरूरी है, तो तुम योंगरू को यहाँ से लेकर जाओ, और फिर ब्लैक टाइगर जबरदस्ती योंगरू को सोहो के पास से लेकर जाता है ताकि वो सेफ रह सके, और सोहो सारे सोल्जर्स को शूट करके मार रहा होता है। और फिर गाइस वहीं हम देखते हैं कि सोहो को भी एक गोली लग जाती है और योंगरू भी भाग कर वापस से उसके पास आ जाती है, और फिर वो उसको लेकर फोर्थ फ्लोर वाले रूम में चली जाती है जहाँ पर इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे वो बहुत रो रही होती है, साथ ही वो उसके जख्म को भी साफ कर रही होती है कि तभी सोहो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो नामबेल से वॉकी टॉकी पे बात करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो हॉस्टल को बस उड़ाने ही वाला है। जब वो कहता है कि 300 मिलियन डॉलर सोहो के पास में है और उसका पासवर्ड योंगरू को भी पता है। फिर नामबेल भागता हुआ अपने सोल्जर्स को रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसके सोल्जर्स तो पहले वहाँ पर पहुँच गए थे और वो उसे बस शूट करने ही वाले थे। फिर सोहो योंगरू को अपने पीछे छुपा लेता है और सारे सोल्जर्स गोलियों से उसे भून डालते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सीन इस सीरीज का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था, जहाँ पर नामबेल आकर फिर उन सारे सोल्जर्स को रोक लेता है। योंगरू फिर सोहो के पास जाती है तो वो उसके कालों पे हाथ रख के उसे कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें हमेशा खुश रहना है और जिंदा रहना है, यानी कि दोस्तों यही सोहो की आखिरी ख्वाहिश थी।
फिर पुलिस चीफ और उसके एजेंट आके यंगरो को अपने साथ में लेकर जा रहे थे और सुहो भी देख लेता है कि यंगरो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि उसने नामबेल से ये जो कहा था कि उन 300 मिलियन डॉलर के अकाउंट का पासवर्ड यंगरो को भी पता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहां ये समझ में आता है कि रूलिंग पार्टी ये इलेक्शन हार गई है, क्योंकि उनकी स्कीम सबके सामने आ गई थी और अपोजिशन पार्टी जीत गई है और साथ ही चैंग सू, नामबेल और पुलिस चीफ को जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ जांग हाना और ब्लैक टाइगर फिर से साथ में हो जाते हैं और वो लोग प्यार से गाड़ी में जा रहे होते हैं। वहीं फिर यंगरो भी उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो सोहू से पहली बार मिलती और उसने उसका मैच हाउस गिरने से बचाया था। फिर वहां पर बैठकर वो सोहू की दी हुई इस कैसेट को सुनने लग जाती है जिसमें सोहू ने ये कन्फेस किया था कि पहली नजर में ही उसे यंगरो से प्यार हो गया था और वो भी इसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि अगर वो एक ऑर्डिनरी मैन होता और नॉर्थ कोरियन स्पाई नहीं होता तो वो जरूर यंगरो को डेट के लिए पूछता और वो ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन अपने मिशन के चक्कर में वो पीछे हट गया था। वो पहले एक कोल्ड पर्सन था लेकिन यंगरो के जिंदगी में आने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन गया और वो उससे मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है और वो उसे हमेशा याद रखेगा भले ही वो कहीं भी चला जाए। साथ ही वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। एंड गाइस, यहीं पर इस सीरीज का दी एंड हो जाता है और आप यकीन मानो ये लास्ट वाला सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि इसको देख देख कर तो मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। वेल, तो इस सीरीज का एंड हो गया है एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए।